ए खुदा ए खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम जो आज आप अपने घरों के काम जो यहाँ छोड़ के आए हैं, मैं जो अपने घर से इतने दूर आई हूँ, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है और एक ही मिशन है, वो है कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएं, अल्लाह से ताल्लुक और कितना बेहतर बना सकते हैं, और थोड़ी बहुत मेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस और यू नो जो मेरी थोड़ी बहुत जर्नी रही है मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो हम कोशिश करें कि जो हम बात कर रहे हैं उसे बस आप ये नियत करें कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए, बल्कि अगर कोई चीज़ अगर आपके अंदर वो उतर जाती है, मेरी बात का कुछ आपको फ़ायदा पहुंचे, बिकॉज इवेंचुअली मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी हो या मैं जो भी कहूँ, ये इससे सिर्फ मेरे भाई बहनों को फ़ायदा मिले, और इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ ताकि शायद कोई मेरी जर्नी देख के या मेरी कोई बातों से या कोई मेरे कोई चीज़ से मोटिवेट हो जाए और उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए। तो आई थिंक सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि हमारी मदद हो जाए हर चीज़ समझने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ज़ोर से नहीं पढ़ूंगी, आप लोग अपना एक जो भी दुरूद शरीफ आपको मुनासिब लगे आप पढ़ लें। वेल, बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मुझसे अच्छी, मेरी ज़ुबान से अच्छी चीज़ें निकाले, जो मैं बात करने जा रही हूँ असरदार बातें निकाले और आप लोगों के बस दिलों में उससे उतार दे। कोशिश हमारी हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए, चाहे वो आप हो मैं हूँ, कि हम बस सीखें। सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन सिखाता है डजेंट मैटर, कौन कह रहा है डजेंट मैटर, बट किसकी बात हो रही है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर जब भी हम कोई चीज़ सुनते, स्पेशली कोई भी मोटिवेशनल चीज़ जो हमारे ईमान को मजबूत करती है, हम कोशिश करें कि उसे अलर्ट रहकर सुने, और जैसे मैंने पहले कहा नियत करें कि जो मैं सुन रही हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी बात है, बस अल्लाह मेरे दिल में वो उतार दे और मुझे उस अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बिकॉज उस चीज़ की जो एक फिक्र होती है ना, वो हम सब में होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, सब हमेशा बड़े बड़े उलमा कहते आए हैं, मैं भी वही चीज़ कहूँगी कि दुनिया फना होने वाली चीज़ है, हमारा एग्जिस्टेंस, हम इस दुनिया में हो नहीं हो कोई वैल्यू नहीं रखता, दुनिया फिर भी वैसी चलनी है। लेकिन अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया है इस दुनिया में आने का और हमें इंसान बनाया है, तो जाहिर सी बात है हमसे वो कुछ काम लेना चाहता है, वरना इतने सारे जानवर है शायद हम उस मखलूक में होते, पर अल्लाह ने हमें कोई जानवर नहीं बनाया बल्कि इंसान बनाया, तो बेशक वो हमसे कुछ काम लेना चाहता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि अल्लाह ने हमें ईमान में रखा है, अब हमें हम ईमान वाले घर में पैदा हुआ है, पैदाइशी ईमान हमारे साथ है, हमें उसे अलग तरीके से ढूंढना या जाके इस्लाम क्या होता है, यू नो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते इस्लाम के बारे में, हमें उतना स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से यू नो मदरसा जाते हैं हम, कुरान की तिलावत करते हैं और मम्मी डैडी से सीखते हैं, घर का जो माहौल होता है हम उससे सीखते हैं, तो कुछ तो कच्चा पक्का हमें पता होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो चीज़ें समझ में बेहतर आती है। बचपन में छोटे होते तो मम्मी डैडी कहते हैं इसलिए हम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारे अंदर आ जाती है, फिर एक आदत बन जाती है, और कुछ वक्त के बाद वो करना मोहब्बत बन जाती है। अब ऐसा लगता है ये नहीं करे तो अब कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा है, अगर आज आप कहीं जाते हो आप नमाज नहीं पढ़ते तो कोई आपको डंडे से पकड़ के मारने नहीं वाला है, लेकिन एक आपके अंदर इतनी अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है कि आप सोचते नहीं 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 भले कोई नहीं देख रहा है पर मेरा अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह का हुक्म है नमाज का तो मुझे वो फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीजें जब आप एक वक्त के बाद आप हर चीज बाय चॉइस करते हो। आज मतलब एक टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, अब ऐसी हुई, कल को मेरी उम्र और ज्यादा बड़ी होगी, तो हम इंसान का जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे से बूढ़े तक का, हमारे हर चीज हम अपने चॉइस से करते हैं। यू नो आज जब हम बड़े छोटे होते तो ऑफ कोर्स सबका कंट्रोल होता है, पेरेंट्स का होता है, घर में बड़े भाई बहनों का होता है एग्जांपल, लेकिन जब आप बड़े हो जाते शादी हो जाते तो कहीं ना कहीं एक फ्री विल होता है आपके पास, लेकिन आप उस फ्री विल का कैसे यूज करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम कोशिश करते हैं, मैं ये कोशिश करती हूँ एक्चुअली
कि मैं जितना हो सके इस्लाम के बारे में सीखूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं जितना सीखती हूं, मैं जितना सुनती हूं, जब मैं कुछ और सुनती हूं मुझे लगता है अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। और स्पेशली जब घर में हमारे तालीम होती है रोज, और जब हम हिस्ट्री सुनते हैं, मुझे वैसे स्कूल में हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं थी बाय द वे, यू नो मुझे बहुत बोरिंग लगता था, मुझे बहुत ही नींद आती थी जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी। पर जब से यू नो मैं मतलब एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ इस्लाम, अब मुझे हिस्ट्री इतना ज्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं घड़ी घड़ी मेरे हस्बैंड को बोलती ही रहती कि आप मुझे कुछ बताएं, कुछ बताएं, कुछ बताएं, और कुछ बताएं, और कुछ बताएं, यू नो इसके पहले क्या हुआ था, इसके साथ क्या जुड़ा था। और बेशक टफ है, बिकॉज जब नाम जुड़ते हैं और काफी बड़े बड़े नाम होते हैं एक्चुअली, यू नो जब आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हो तो मैं नाम में इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैंने कहा बहुत ही बड़े बड़े नाम है ये, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सीख जाऊं। और जब भी मुझे सिखाते मैं सोचती हूँ या अल्लाह ये जो भी बोल रहे बस मेरे अंदर उतार दो, मतलब मेरा दिमाग इतना शार्प कर दो कि मैं ये सब सीख जाऊं और समझ जाऊं। और ये सिर्फ सीखने का नहीं है कि मुझे आना चाहिए, ये बात उसकी नहीं है, ये है कि समझना है कि इन लोगों ने ये सब क्यों किया। अब मैं आपको बोलूंगी आप बाहर जाके लड़ो और अपनी जान दे दो तो कोई नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है ना, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन जब हम इस्लाम की हिस्ट्री देखते हैं और देखते हैं कि कैसे सहाबाओं ने और उनकी वाइफ्स ने और उनके बच्चों ने अपने यू नो फादर को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया कि वो अब जा रहे हैं जंग लड़ने एंड यू नेवर नो कि वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन वो उन्होंने कुर्बानी दी फॉर व्हाट, वो उनके जाती खुशी के लिए नहीं दी। ऑफ कोर्स जाती प्राउड होता है इंसान के यू नो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बट एक वो भी रहता है ना कि यार मेरी जस्ट शादी हुई है, मेरा छोटा बेबी है। आजकल हमारे ये सब रीजंस है ना कुछ चीजें नहीं करने की, या जब काम हम करते हैं और हमें अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हलाल और हराम का डिफरेंस ही नहीं पता, हम जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा हराम की तरफ जाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर अपनी मजबूरियां लेके आ जाते हैं कि अरे ये अभी सभी तो ले रहे हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो मैं अभी मेरा भी घर का कैसे होगा, अभी स्कूल में इतनी फीस देनी होती है वो कैसे होगा, बाकी यू आप इतनी सारी चीजें एक्चुअली शैतान आपके सामने ला के खड़ा कर देता है कि आप वो डिफरेंस ही समझना भूल जाते हो। जिसमें से मैं एक थी, मुझे हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स लगते थे कि यार ये तो प्रॉब्लम मेरा बहुत बड़ा है, ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा, अगर मैं ये अभी छोड़ दूंगी तो मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो आई थिंक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सिर्फ एक जरिया है बात करने का, हिदायत अल्लाह के ही हाथ में है और जिनको मिलती है उनके अंदर चाहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, बेशक पर वो उसे थोड़ी ना देगा जिसे चाहत ही नहीं है या जिसे तलब नहीं है, तो वो तलब रखना भी जरूरी है। क्योंकि जब मेरी बात हुई और लोग आके कहते थे, लोग कहते थे नहीं नहीं अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको चुन लिया है और ये अल्लाह ने आपको हिदायत दिया है, बेशक अल्लाह ने हिदायत दिया है, लेकिन अंदर एक चाहत भी तो चाहिए ना। अगर आज आपके अंदर कोई चाहत नहीं है तो सामने वाला आपको वो चीज क्यों देगा, क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे फिर। तो अल्लाह भी आपको तब देता है जब आप उसकी वैल्यू कर सको। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब हमारे पास ये इतना इम्पोर्टेंट चीज हमारे हाथ में है, वो है हमारा ईमान, अब हम उसको और वैल्यूएबल कैसे बनाएं। और जाहिर सी बात है उसको वैल्यूएबल आप अपने नेचर से, अपने अखलाक से, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो उससे, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। अब सिचुएशन में अगर आपको कोई चॉइस करना पड़े, आप वो चॉइस कैसे लेते हो, सही लेते हो, गलत लेते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होना कोई गलत बात नहीं है, दिल में वसवसा आना भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो तो शैतान का दाव है ना। बट इवेंचुअली आप क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये चीजें होना बहुत नॉर्मल है, ये होगा, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। बिकॉज आज की तारीख में हम सब यू नो आज औरतें काम कर रही है, अपने घर से बाहर निकलती है, एक फ्रीडम है आपको, वो फैमिली से भी मिलती है, वो सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन हम कोशिश करें कि उस सपोर्ट का फायदा ना उठाए। और साथ ही साथ अगर हमें ये फ्रीडम मिली है और हमको अल्लाह ने वो जहन दिया है, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चले। क्योंकि अगर आपने दुनिया में सब कुछ कमा लिया लेकिन आखिरत नहीं कमाई, तो सब कुछ जीरो का जीरो है, फिर तो आप एक नाकामयाब इंसान हुए। लेकिन अगर आपने आखिरत कमा ली और अगर दुनिया थोड़ी बहुत पीछे भी रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
अब जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत लोग ये भी कहते, कहने वाले तो 10 चीज कहते हैं। मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आई एम श्योर आपको भी जब लोग बदलते हैं ना तो बहुत अलग अलग तरीके के टॉन्ट्स आपको मिलते हैं। तो मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से कौन ये सिचुएशन से गुजर रहा है। जब हम चेंज होने जा रहे थे और हम जब चेंजेस लाए अपनी जिंदगी में, और ऑफकोर्स जब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस की बातें करने लगी, काफी लोग ये भी कहते हैं अच्छा इन्होंने तो सब कर करा लिया है ना, सब इंजॉय कर लिया है, सब कर लिया है, अब ये हमें सिखाएंगे कि ये मत करो, मतलब हम सैक्रिफाइस करें इन्होंने इंजॉय कर लिया है। तो अगर आपको ये लगता है कि इंजॉयमेंट है और इसमें इतनी खुशी है तो मैं इतनी खुशी और इंजॉयमेंट छोड़ के आऊंगी क्यों, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। कि अगर लोग ये कहते हैं कि आपने तो अपनी जिंदगी इंजॉय कर ली, तो भैया हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है। एक असबाबी तौर से अगर आप देखो तो इंसान एक 70-80 साल तक तो 90 साल तक भी आजकल जी लेते हैं ना, तो जिंदगी तो बाकी है, बाकी तो मौत और हयात अल्लाह के हाथ में। आप कोई पैदा होते हुए भी कुछ साल में कुछ मिनटों में चले जाओगे, या आप 100 साल 110 साल के भी लोग, मेरे नाना 104 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो आप इतनी लंबी उम्र भी जी सकते हो। लेकिन एक इंसान सोचता है ना कि अगर ये जिंदगी इतनी खुशगवार होती और इसके अंदर सब कुछ होता तो मैं ही नहीं, मेरे जैसे और बहुत लोग हैं, वो ये सब छोड़ के क्यों भागते, किसको ये सब चीजें सैक्रिफाइस करनी है, अच्छी दौलत, शोहरत, फ्री स्पॉन्सर्ड लाइफ, फ्री कपड़े, फ्री ट्रैवल, फ्री होटल, ये सब छोड़ के किसको अपने जेब से खर्चा करना है। कोई बेवकूफी होगा ना अगर आज मैं बोलूंगी मैं आपको सब करके दूंगी, आप बोलोगे नहीं 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 मैं अपना दूंगी, तो ये तो बेवकूफी हुआ ना कोई इंसान। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप सही तरीके से समझो तो ये है कि यहाँ पे कुछ है नहीं। ये चीज ना कुछ वक्त के लिए बहुत ग्लैमरस लगती है, बहुत देखने वाले को बहुत अच्छी लगती है, और जाहिर सी बात है जैसे हम कहते हैं शैतान वसवसा डालता है कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, क्योंकि तो उसका तो काम ही है ना मैं बहकाना, और इसी में तो उसकी मजे है। और जो उन्होंने जंग ली है अल्लाह से, यही तो उनका मोटिव है कि जो इंसान सही तरफ जाए उसे खींच खींच के लाना। मैं आपको बताती हूँ 2018 में मैंने ये, उस वक्त से मेरे दिमाग में चल रहा, बहुत पहले से दिमाग में चल रहा था, थोड़ा 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 मेरे दिमाग में आता था, लेकिन 2018 में मुझे ऐसा था कि आई थिंक आई एम डन, मुझे इंडस्ट्री में नहीं रहना, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे जैसे मैं दिख रही हूँ और मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ अपने आप को, ये मैं हूँ नहीं, लेकिन और मुझे खुशी भी नहीं मिलती है। बट जब आप अकेले रहते हो, खुद से रहते हो, आप वो सोचते हो, पर जब आप फिर वैसे ही लोगों के साथ घुल मिल जाते हो तो आपका दिमाग फिर शैतानी हो जाता है। अच्छा अच्छा चलो फोटोशूट करते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, ये गाने पे डांस करते हैं, वो गाने पे डांस करते हैं, तो ये सारी चीजें होने लगी। एंड आई वॉज लाइक कुछ तो है विच इज नॉट कीपिंग मी हैप्पी, एंड आई वॉज लाइक मुझे तो ये चेंज करना है। एंड यू वोंट बिलीव 2018 में मेरी अनस से मुलाकात हुई थी मक्का में, एंड इट वॉज ओनली फॉर 5 मिनट्स। मेरा पूरा सफर कंप्लीट हो चुका था, मेरा उमरा हो चुका था माशाल्लाह से, एंड आई वॉज कमिंग बैक होम। बहुत 5-10 मिनट की मुलाकात हुई एंड फिर मैं आ गई। अब मेरे दिल में पहले से बात चल रही थी, बट क्या होता है ना कभी कभी जो आपका जाहिर होता है ना, लोग आपके जाहिर से आपको इतना जज करते हैं, इतना जज करते हैं कि कभी कभी इंसान अंदर की बात बोल भी नहीं पाता। क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी और मैं ग्लैमर फील्ड में थी, तो ये कहना कि मुझे पता है ये हराम है और मुझे ये छोड़ना है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और मैं अगर मैं मुझे छोड़ना भी है पर मैं क्या करूं, फिर इसके बाद मैं क्या करूं, अब काम पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ जाहिर सी बात है, तो मैं क्या करूं। मैं तो मेरे अंदर इतने सवालात थे और मुझे लगता था मैं अगर किसी को बताऊंगी ना वो कोई समझ नहीं पाएगा, शायद वो मेरा मजाक उड़ाए और कोई नहीं चाहता कि उसका मजाक उड़े, तो मैं ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। एंड आई थिंक मैं अब रियलाइज करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि काश जब अनस मुझे 2018 में मिले मैं उनसे ही दिल खोल के बात कर लेती, तो शायद जो मुझे 2 साल लेट हो गया मैं और 2 साल पहले चेंज हो गई होती। बट इट्स नेवर लेट। तो बट आई थिंक 2018 मतलब सोचो ना इतना ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, नॉट इवन अ ईयर, एंड 2019 मैं आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी,
पता नहीं मैं क्या कर रही थी 2019 में, मैंने लुक बैक वाज लाइक कैन आई इरेज दिस ईयर, बट इट्स नॉट पॉसिबल. इसीलिए यू नो इससे हमें रियलाइज होता है कि हम इस दुनिया में जो है ना, जब हम कब्र में जाएंगे और हमारी जो गलतियां हम करेंगे हम इरेज नहीं कर पाएंगे, इवन इफ वी वांट टू. और अल्लाह का शुक्र है कि जीते जी हमें समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज आ रही है कि हमें ये चीज हमें इरेज करनी है अपनी जिंदगी से, ये हमारे पास मौका है क्योंकि हम अभी जिंदा है और हम ये कर सकते हैं. पर एक बार हमारी आंख बंद हो गई तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं. तो मैंने 2019 में मैं बहुत एक्टिव हो गई और काफी कुछ कर रही थी, बट यू वोंट बिलीव मैं इतनी एक्टिव और इतना ज्यादा काम 2019 में कर रही थी. और 2019 में ही मैं इतनी सैड हो गई थी, अंदर से इतनी सैड हो गई थी. एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स 2020 आई हैव स्पोकन वेरी ओपनली कि मैं डिप्रेशन से सफर कर रही थी, एंजाइटी थी मुझे, आई वॉज सुसाइडल, मतलब ये सब कुछ एक साथ थॉट आ रहा था. एंड अनस से थोड़ी बहुत तो मेरी बात होते रहती थी, कोई भी मुझे इस्लामिक नॉलेज चाहिए होती थी तो मैं अनस से यू नो कॉल करके पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं. बट 2020 आई डिसाइडेड कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ अनस है. मैं थोड़ी छोटी हूँ ना हाइट में. ओके सुनाई दे. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है ना तो वो सिर्फ अनस है. आई डोंट नो व्हाई, आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई नो, इतने मेरे जान पहचान वाले हैं और जिगरी दोस्त यार है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने सिर्फ और सिर्फ अनस का नाम लिया. जबकि यू नो हमारा तभी ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमें शादी करनी है या निकाह का कुछ था, बट आई थिंक ये मुकद्दर था कि हमें एक साथ जुड़ना था और अल्लाह को हमें जुड़ाना था और जिंदगी बदलनी थी. तब मैं उनको बस आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वॉज फर्स्ट और सेकेंड ऑफ फेब, मैंने उनको फोन किया और मैं बहुत रोई, मैं इतना रोई कि मुझे पता ही नहीं मैंने उनसे वो पहले दिन बात क्या की. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम आई एम नॉट वेल एंड मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है, यू नो क्योंकि आप डिप्रेशन के लिए जाते हो लोग आपको दिमागी मरीज बना देते हैं. इंडिया में तो थोड़ा मसला है, अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको दिमागी प्रॉब्लम है, ये बहुत बातें चलने लग जाती है. तो मैं खुद भी डर गई, तो आई वॉज लाइक यू नो मुझे नहीं जाना है, मैं थोड़ा यू नो आराम से लेती हूँ. वही वक्त था जब मैं ऑफकोर्स ये भी मैंने बहुत खुल के कहा इसलिए मैं अभी कहती हूँ कि आई वॉज ऑन स्लीपिंग पिल्स, मैं रोज नींद की गोली खाती थी सोने के लिए और मैं मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सो पाती थी. जो गोली आपको 8 घंटा सुलाती है, मेरे लिए 2 घंटा सोना भी बहुत मुश्किल था. और वो 2 घंटा भी मैं इतना घबरा जाती थी और मुझे लगता था बस मुझे उठना है. तो 2019 में जब रमजान आया यू नो उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं रोज सोती थी और मैं घबरा कर उठ जाती थी और मैं मुस्तकिल 10-15 दिन आई थिंक एक ही सपना देखती थी, एक ही चीज, और वो ये होता था कि मैं कब्र में हूं और बहुत आग का अंगारा निकल रहा है और मैं मदद के लिए पुकार रही हूं किसी को. तो मैं बहुत डर गई, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कोई भी डर जाएगा अगर वो एक ही सपना रेगुलरली देखता जाएगा. फिर वो रुक गया कुछ टाइम और ऑब्वियसली रमजान में आपका कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा ही यू नो अलर्ट रहता है. तो मैं बहुत एक अलग ही जोन में थी. उसके बाद जब जैसे रमजान खत्म हुआ फिर कुछ वक्त आया, मैं फिर यही चीज देख रही हूँ कि मैं कब्र में हूँ और आग जल रही है और मैं रो रही हूँ और मैं मदद के लिए पुकार रही हूँ और मुझे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है. आप यकीन नहीं मानोगे, ये बहुत मुझे इसलिए कहने भी बहुत अजीब लगता है कुछ चीजें शेयर करने, बिकॉज यू नो कभी कभी कुछ अल्लाह की तरफ से गैप का निजाम होता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होना होता है. आई स्टिल रिमेम्बर मैं 2019 में एक शूटिंग करने के लिए जॉर्डन गई थी और मैं बहुत थक गई थी तो मैं स्पा चले गई थी. और जब मैं स्पा गई हो जब यू नो आप रिलैक्सिंग टिश्यू मसल लेते हो, मैं अब कोई मसाज करने जाएगा तो इंसान रिलैक्स करता है ना कि यार मेरी थकान कम हो जाए, मेरा टिश्यूज ठीक हो जाए. मैं उस वक्त भी अपने कब्र के बारे में ही सोच रही हूँ. पता नहीं मेरे सर पे क्या जुनून चल गया था कि मेरा दिमाग उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता था. मैं घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी, घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी. और जब मैं उस बेड पे लेटी थी
और वो लड़की मेरे बॉडी पे फेस यू नो एक रैप लगा रही थी जिससे बॉडी के डिजीज भी अच्छे होते हैं। जब उसने मुझे जैसे प्लास्टिक में रैप किया ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई, यू नो। और उसके पहले मेरा ऑलरेडी डिप्रेशन का फेस चालू था, लेकिन मैंने पब्लिकली जनवरी फरवरी में मैंने बहुत ओपनली लोगों से डिस्कस किया। लेकिन 2019 में जब ये मेरा फेस चल रहा था तो मैं किसी को बोल नहीं पाती थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अनस के बाद में सब वीडियोस दिखाए थे। 2019 में मैं जब शूट करने जाती थी तो मैं रूम में अकेले अकेले, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले वीडियो बनाती थी। मैं खुद से बात करती थी और मैं खुद ही रोती थी और मैं खुद से ही बात करती थी और मैं खुद को ही तसल्ली देती थी। मतलब आज मैं थैंक गॉड मेरा मैंने सब डिलीट कर दिया, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे डर लगता था वो बाद में कि अगर मैंने इसे दूसरा स्टेप नहीं लिया होता तो मैं पागल हो गई होती। अब इमेजिन आप अपने रूम में हो, आप खुद से ही बात कर रहे हो और रिकॉर्ड भी कर रहे हो और आप रो भी रहे हो और फिर आप खुद को ही तसल्ली दे रहे हो, तो मुझे डेफिनेटली लगा कि कुछ तो सही नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं मसाज ले रही थी, मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह मतलब मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ, और मैं जो कर रही हूँ मैं उससे भी खुश नहीं हूँ और उससे आई थिंक मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बट वो फ्लो में चल रहे है। तो आई डोंट नो मैं क्या करूं और मैं चेंज ला नहीं पा रही हूँ, पर मुझे लाना है एंड आई थिंक मुझे कोई सपोर्ट चाहिए। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं वो मसाज से उठी ना, मैं बस दो कदम चली मैं बेहोश होकर गिर गई। और जब मैं गिरी ना वहां पे, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कंट्री, तो वो कुछ दो चार वहां के जो वेटर्स थे, रेस्टोरेंट था बाहर, वो लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुछ यू नो दुआ पढ़ने लग गए, कुरान की आयतें पढ़ने लग गए। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये चीज आ रही कि अल्लाह मतलब आपने मेरी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी सुन ली है, मतलब आई नो मैंने आपसे मांगा है बट मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे एटलीस्ट मेरे घर चले जाने दो, एटलीस्ट मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँ। ये होता ना दिमाग में ख्याल, आई एम श्योर आई डोंट नो, पर आता है यू नो कि यू डोंट वांट टू लूज योर लाइफ इन एन एलियन प्लेस, आप चाहते हो आपके घर वाले हो। एंड मैं वापस आई एंड आई वाज लाइक कुछ तो अब इसके बारे में करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं चीजें वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, पर अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये मैं नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं ये मैं हूँ, लेकिन असल में तो ये मैं हुई नहीं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बट मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। एंड आई थिंक ये उन चीजों की शुरुआत थी कि सबसे पहले कहते हैं ना, आप अगर कोई चीज से तौबा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप वो गुना गुना समझे, अगर आप गुना को गुना ही नहीं समझ रहे तो आप तौबा किस लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने ये चीज सीखा कि आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और अगर दुनिया के तमाम लोग भी मिलके गलत को सही कहेंगे तो वो सही नहीं होगा। कुछ साल पहले ये मेरा कॉन्फिडेंस पता है कहां से टूटा, आई डोंट नो इफ यंगस्टर्स कैन रिलेट टू मी, जब मेरे जो मैं काम करती थी तो मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड थे और ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम सभी मिक्स फ्रेंड ग्रुप होता है, तो मैंने कहा मैं इनको तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने मेरे एक मुस्लिम जो दोस्त है, मेरे भाई जैसा है वो, तो मैंने उनको बोला कि यार जो भी है जो मैं कर रही हूँ ना, भले सक्सेस नाम हो रहा है जो भी, पर मैंने कहा यार ये ना ये हराम की कमाई है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे बाहर कैसे हूँ, मेरी हराम की कमाई को मैं हलाल कैसे करूँ। एंड आई रिमेम्बर मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं होता है, तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो, और आई एम श्योर ये बहुत आई डोंट नो पर ये बहुत लोगों के साथ होता है, ट्रस्ट मी, और ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग करो, आप जिंदगी में कुछ भी काम में आपका इनकम में हेरा फेरी हो सकती है। सो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो लेकिन कितनी मेहनत करके कमा रही हो, ऐसा थोड़ी ना है और आप कुछ गलत नहीं कर रही हो। मैं समझ गई, मैंने कहा उससे बात नहीं करनी है मुझे, क्योंकि ये मुझे और हराम 10 times into 10 times हो जाएगा मेरा। मैंने कहा मुझे सजेशन नहीं लेनी, तो मैं समझ गई कि उस वक्त से मेरा मोटिवेशन एक्चुअली डिस्कस करने का टूट गया, क्योंकि अगर मैं इसको बोल रही हूँ मैं हराम कर रही हूँ तो सामने वाले को बोलना चाहिए ना, हाँ भाई कर रही है छोड़ दे, तो ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे तो ना तुम तो मेहनत करी। मैंने कहा ये तो मुझे जहन्नम में फेंकेगा, इससे बात नहीं करनी है मुझे। तो मैंने अपने आप से फिर मैंने ना, बिकॉज आई हैड नोबडी,
मैं आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज, मैं बड़े बड़े ओलमा के वीडियोज देखने लग गई, तारिक जमील साहब के वीडियोज मैं बहुत देखती थी, बहुत सुनती थी उनको. मैंने कहा मैं अब पर्सनली पढ़ना और सीखना शुरू करूंगी. एंड आई थिंक दैट्स व्हेन बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में आने लगी. जैसे सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला उमरा 2013 में हुआ तो मैं माशाल्लाह से 5 उमरा मैंने किया है अभी तक. एंड जब मैं पहले उमरा में वहां गई ना और जब मैं वापस आई, सबसे पहली तब्दीली मेरी जिंदगी में ये आई कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी. नॉट ऑन टाइम बट पढ़ती थी. चेंजेस, हर चीज ग्रेजुअली आती है. एंड कभी कभी ऐसा लगता है क्यों आती है स्लो, सब फटाफट आ जाना चाहिए, अब ऐसा लगता है. बट उस वक्त बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड इन अ प्रोफेशन जो एथिकल प्रोफेशन नहीं है, तो मैं 5 वक्त की नमाज एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दी. भले कजा हो जाती थी कभी, यू नो कभी शुरुआत में कुछ कुछ मिस हो जाती थी, लेकिन मैं पढ़ लेती थी. उसके बाद मुझे ऑफकोर्स कुरान शरीफ पढ़ने में और इंटरेस्ट आने लग गया. ऐसा नहीं था मैं पूरा दिन लेके बैठ के पढ़ते रहती थी, बट मैं पढ़ती थी. अब अगर मुझे किसी ने बता दिया कि ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ना बहुत जरूरी है, कब्र में आपकी हिफाजत करेगा, तो मैंने वो एक वजीफा, मैंने कहा इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने वो हर ईशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया. अब मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आती है, ऐसा नहीं कि इमिजिएटली आ जाएगी. जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया. उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरह वाकया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे. फिर मैंने सूरह वाकया पढ़ना शुरू कर दिया. फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि यू नो जुम्मा के दिन ना सूरह काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है. मैंने कहा अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह दो साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरह काफ पढ़ती हूँ. तो इस तरीके से ना छोटी 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 चीजें, और जब मैंने अपने आप को अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है. क्योंकि पहला जब मैं गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट करती थी अपने वक्त का, जो फिजूल काम करती थी, तो उससे मेरे को फायदा कुछ नहीं हो रहा था. लेकिन इन चीजों से ना मुझे फायदा होने लगा. जब 2020 में अनस ने मुझे थोड़ा शुरुआत में पढ़ाई देने लगे ताकि मेरी एंजाइटी कम हो जाए, तो पहले उन्होंने बोला फजर के बाद आप चाश्त तक रुको. मुझे तो चाश्त की नमाज क्या पता नहीं थी, इमेजिन. तो पता चला चाश्त क्या होती है, फिर चाश्त की नमाज पढ़ने लग गई. उसके बाद सुबह में उठ जाती थी चाश्त तक, अगर आप जागो तो यासीन शरीफ पढ़ लेती थी रोज सुबह. फिर उसके बाद इशराक पढ़ती थी मैं फजर में. उसके बाद चाश्त पढ़ती थी मैं उठकर, बोले रोजी के लिए. रोजी तो सब कुछ यही होती है ना. आज आप रोजी का वजीफा डालो, देखो आप कितने लोग पढ़ते हैं. अगर आप काउंट कर सकते होगे तो अगर 200 का मजमा होगा और अगर काउंटर में काउंट कर सकूं तो हर कोई पढ़ लेगा, बिकॉज रोजी किसको नहीं चाहिए. तो ये एक चीज है कि ये सबकी जरूरियाती चीजें, नेसेसरी भी है, लग्जरी भी है. लेकिन अगेन तरीका, हम इस रोजी को कमाने का हमें कौन सा जरिया चाहिए, ये बहुत जरूरी है. लोग जैसे देखते हैं रोजी का दुआ, रोजी का वजीफा, फटाफट पढ़ना शुरू. लेकिन जब वो रोजी आपके पास आती है फिर आप ये नहीं देखते कि कौन से जरिए से आ रही है. एंड आई थिंक दैट इज वेयर हमारी बरकतें, हम कहते हैं ना बरकत नहीं है, यहाँ ही बरकतें खत्म होती है. तो जब जब अनस ने इतने सारे शुरू में वजीफे दिए थे, मुझे इतना गुस्सा आता था अनस के ऊपर ही कि जब ये फोन करते थे मुझे लगता था फोन रखो, मेरे पास पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें, फिर बीच में मुझे काम भी करना है. तो यू नो उन्होंने कहा जोहर के बाद सूरह फतेह पढ़ो, मैंने कहा अच्छा ठीक है. उसके बाद आप यू नो दुआ मांगते हो ना, पहले कैसी थी दुआ, या अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मियां मुझे वो दे दे, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, इन सबको जन्नत पहुंचा दे, मुझे भी जन्नत पहुंचा दे. अमल कुछ नहीं करना है, पर जन्नत हमको जाना है. घर में रोजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, काम भी एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए. हस्बैंड भी एकदम बैंक ऑन होना चाहिए. हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुर्बानी नहीं देनी है, पर हमको हस्बैंड परफेक्ट चाहिए, सास ससुर परफेक्ट चाहिए, माँ बाप परफेक्ट चाहिए, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, रोजी, बॉडी, हर चीज. यू नो जब बॉडी की बात आती है ना तो लोग बराबर 24 घंटा डाइट करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करने निकलते हैं. लेकिन जब ईमान के ऊपर बात आती है ना जो अल्लाह देता है, तो उसके लिए हमें किसी को मेहनत नहीं करनी, वो फ्री में चाहिए सब. यू नो ये बहुत लोगों का नजरिया है.
तो अब मैं कोई भी वजीफा देती हूँ ना उसके अंदर मैं डालती हूँ, इससे रोजी तो आती ही आती है, ताकि जब आप ये कहते हो ना तो लोग थोड़ा और हर वजीफे को पढ़ते, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं रोजी का कोई वजीफा बताओ, अभी तो पूछते हैं हस्बैंड के लिए कोई वजीफा बताओ। मैंने कहा हर चीज के लिए वजीफा ये है कि आप अल्लाह पे यकीन रखो, आप कुरान पढ़ोगे और खुश दिल से पढ़ोगे, और जो जो हमें पढ़ने के लिए बताया गया पढ़ोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम ऐसे ही हल हो जानी है। आपको कोई तावीज दौरे की जरूरत नहीं है, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर दो, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आज प्रॉब्लम है, यू नो, हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम किसी को देखेंगे अरे प्लीज मेरे लिए दुआ करना, अरे तुम खुद अपने लिए कर सकते हो। जब इंसान दुआ तो हम हमें तो करना फर्जी है, लेकिन खुद भी तो करना पड़ेगा ना। जब आप कुछ करोगे नहीं, दूसरा वाला ही दुआ करता रहेगा, तो अल्लाह तो उसकी दुआ उसके हक में कबूल करेगा। तो यू नो, जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो शुरुआत में अनस को कहती थी, अनस इतना पढ़ने को है, इतना पढ़ने को है कि मैं थक जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे रियलाइज होने लगा कि मेरे टाइम में ना बरकत ही नहीं। मैंने कहा मैं ये पढ़ूंगी तो मैं काम कब करूंगी। जो मेरा एक क्लिनिक है, मेरा क्लिनिक एक है, स्किन केयर मैं करती हूँ, तो मैंने कहा यार ये सब कब होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं वही सारी चीजें पढ़ती हूँ, पर अल्लाह ने इतनी बरकत दी है वो टाइम में कि अब जब मैं सोचती हूँ कि एक वक्त था कि मुझे लगता था कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, और अब मैं सब पढ़ लेती हूँ, मेरे पास फिर भी वक्त होता है। तो ये सारी चीजें विथ प्रैक्टिस आती है, हर चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ आती है। लेकिन ऑफ कोर्स बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं हमेशा यू नो, जब मेरे आसपास के लोग होते हैं, जब मुझसे इन सारी चीजों के बारे में पूछते, मैंने कहा मैं यही कहती हूँ कि आपका यकीन होना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते ना आज की तारीख में, ये मेरा सब भी मसला था कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम कुरान पे यकीन रखते हैं, पर हमारा दिल ना 100% यकीन नहीं करता है। आज हम बोलते हैं ना अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन हम वो ना 50% बोलते हैं, 100% दिल से नहीं बोलते कि अल्लाह बेहतर करेगा। हम 50% ना मखलूक के ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं यार अल्लाह बेहतर करेगा यार, लेकिन पर यू नो मैं ये इंसान पे कितना डिपेंडेंट हूँ। तो ये चीज ना मेरे अंदर भी बहुत पहले थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तवक्कुल ना अल्लाह से ज्यादा मखलूकों में हो गया है, कि अल्लाह से 10 मिनट में मांग लेती हूँ, लेकिन सामने वाले मखलूक को तो 1 घंटा पटाती हूँ मैं, ये कर दे भाई, वो कर दे, प्लीज प्लीज मेरा ये काम हो जाए। उसके लिए 4 दिन पहले फील्डिंग करती हूँ, कि 4 दिन पहले से मैं माइंड सेट और माइंड बनाना रेडी करूंगी, तो शायद ये इंसान मुझे काम दे दे या मेरा काम हो जाए। एंड आई रियलाइज कि अगर आप सेम चीज अल्लाह के साथ यूज करो तो आपको तो डबल बेनिफिट होगा ना, क्योंकि अगर अल्लाह राजी तो आपको दुनिया में हर चीज मिल जानी है, साथ ही साथ आपकी आखिरत बन जानी है। और कहते हैं ना, जिसका रिश्ता अल्लाह के साथ अच्छा हो, अल्लाह उसका रिश्ता मखलूक के साथ अच्छा कर देता है। मतलब आज जब मैं आप लोगों को देखती हूँ, आज आप लोगों के अंदर ना मुझे दिली मोहब्बत दिखती है मेरे लिए, जो मुझे पहले लोगों में नहीं दिखती थी। मुझे लगता था सब मतलब ही है, मेरे अंदर भी वो फीलिंग थी, मुझे लगता है सब मतलब के लिए आए, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है, आज आए कल अपने को पूछने भी नहीं वाले। और ये होता है जब आप दुनिया में इतना दुनिया से अटैच होते हो ना, तो अल्लाह आपको जो लोग भी आपकी जिंदगी में आते हैं ना, वो दुनिया वाले ही होते हैं, जो आपसे दुनिया का जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठा लेते हैं। उसके बाद आप डिप्रेशन में मरो, एंजाइटी में मरो, सुसाइड करो, क्योंकि जब मेरा वक्त आया बुरा तब मैंने देखा कौन था मेरे साथ। तो आप रियलाइज करते हो कि ये लोग लॉन्ग लास्टिंग लोग नहीं है, इनका वक्त हो। आज जैसे एग्जाम्पल, जब आप एक्टर होते हो तो बहुत सारे लोग ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। अब जैसे सबको पता, अच्छे अच्छे दोस्त जो मुझे यू नो डिजाइनर क्लोथ्स देते थे, जो दोस्ती दोस्ती में देते थे, हम तो सिर्फ दोस्ती में देते हैं, प्रोफेशनल लोग तो प्रोफेशनली। लेकिन आज जस्ट बिकॉज मैं हिजाब पहनती हूँ और यू नो आई डोंट सी देम कमिंग टू मी, सो वो मोहब्बत कहाँ गई? अगर वो सच्ची मोहब्बत होती तो आज भी आती ना। तो चीजें मैंने चेंज होते हुए देखी हूँ, मैंने ये 1.5 साल में अपनी जिंदगी में लोगों को बदलते हुए भी देखा है, अच्छे से दूर जाते भी देखा है और दूर से नजदीक आते हुए भी देखा है और जाकर वापस आते हुए भी देखा है। तो ये चीज ना आपको अल्लाह ही बताते हैं, और जब आप इसमें यकीन करते हो ना तब आप वो देखते हो। तो आज मैं बहुत चीजें अपनी जिंदगी में ऐसी एक्सपीरियंस करती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। मैं अनस को वही बोलती हूँ कि जब आज मैं बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ ना, मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत होती है जो पहले नहीं थी। ऐसा लगता था हाँ फैंस है, आ गए, फोटो खींच लिया। मैंने कहा फिर ये अपने घर में अपने घर, यू नो ये लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, एक फोटो ले लेंगे, मैटर खत्म। लेकिन अब मेरी सोच भी बदल गई है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब इंसान अल्लाह के करीब आता है तो अल्लाह
उसका भी दिमाग कैसे बदलता है। मतलब सामने वाले के तो दिल में मोहब्बत डालता ही डालता है, लेकिन एज खुद मैं भी चीजें कितनी, जो पहले मुझे लगता था मैं ही मैं, मेरा सक्सेस, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मैं क्यों ये, आज हमें लोगों की परवाह है, हमें लगता है कि हम क्या करें जिससे हम लोगों को फायदा दे सके। इसलिए मैंने जब मेरा पहला तौबा के बाद पहला वीडियो बनाया था, उखरिजत लिन्नास पे बनाया था, वो कुरान की आयत कहती है ना, उखरिजत लिन्नास तहमरूना बिल मारूफ वतनहाउना अनिल मुनकर, उसका कहने का यही मतलब है कि हमने आपको बनाया इंसान की बेहतरी के लिए, और आप जाके लोगों को बताए कि अल्लाह क्या पसंद करता है, और जाके ये भी बताए कि अल्लाह क्या ना पसंद करता है। और जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते को फॉलो करोगे, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है। कुरान कहता है ना कि अगर आप प्रॉपर शरीयत और नबी पाक की सुन्नतों को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है, और गैरों की कॉपी में 100% नाकामी है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो चीज कहती है हम तो वो देखते भी है ना, तो हमें तो कामयाबी की तरफ जाना है। और ईमान वालों की सबसे बड़ी, कहते हैं ना, सबसे मजबूत चीज क्या है कि हम आखिरत में यकीन करते हैं। हम नहीं यकीन करते पिछले जन्म में हम राजा थे, आगे के जन्म में हम सिपाही बनेंगे, उसके आगे के जन्म में हम चोर बने, हम ये बिलीव नहीं करते हैं। हम आखिरत में बिलीव करते हैं। तो अगर हम आखिरत में बिलीव करते हैं तो आखिरत पे काम क्यों नहीं करते। एक तरफ हम हर चीज पे बिलीव करते, कुरान पे बिलीव करते, हदीसों में बिलीव करते, जो कहा गया हर चीज पे बिलीव करते, हमने जो चीजें नहीं देखी है सिर्फ पढ़ी है उस पे भी बिलीव करते हैं, लेकिन जब वही चीज लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है देखेंगे, आगे जाके करेंगे। जब मेरी दोस्तों से बात होती थी, बहुत यंगस्टर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है उन्हें, मैं उन्हें यही कहती थी, आप उमरा करो ना, क्यों नहीं करते हो, बाद में करेंगे। हज कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं तो चाहती थी मेरा हज फर्ज हो, यू नो। और मेरे घर में मेरे डैड बाहर थे और उस वक्त हो नहीं पाया, बट जब जो लोग जा पाते थे ना, लाइक यार क्यों नहीं जाते हो, आप जाओ। एंड ये सोच है यंगस्टर्स की, अनफॉर्चुनेटली आज इन्हें लगता है क्योंकि हम हज जाकर आएंगे तो हम ये गुनाह नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम कर लेते हैं और उसके बाद हम हज जाएंगे, क्योंकि हज के बाद हम ये नहीं कर पाएंगे। यू अंडरस्टैंड। अब मैंने तो ऐसे लोगों को वन ऑन वन इंटरेक्ट किया है ना, अब जैसे अनफॉर्चुनेटली अल्लाह यू नो उनकी मगफिरत करे इन चीजों को लेके, जैसे कुछ लोग हैं जिनको ड्रिंकिंग हैबिट है, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स मैं, पार्टीज की आदत है और पर्दा नहीं करते, हिजाब नहीं लेते, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट बेसिक स्कार्फ भी नहीं लेते, उसके बाद एक एक चीज आती है, तो इनको लगता है कि अगर हम हज अभी कर लेंगे तो हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम ये नहीं कर सकते, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो हम हज बाद में करेंगे। बट यू नेवर नो, गारंटी कौन देता है कि आप वहां तक बचोगे कि नहीं। ये एग्जाम्पल ना मैंने अपने फैमिली में देखा है, अपने आंखों से। जब मेरी फैमिली में एक मेंबर है, ऑफकोर्स रिश्ता नहीं बताना चाहूंगी, जब बहुत टाइम पहले ना उन्हें उमरा के लिए एक मौका मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त जा नहीं पाए, तो उन्होंने बोला मैं बाद में कर लूंगी। अब उन्होंने जो भी नजरिए से बोला होगा, मैं तो तभी सामने नहीं थी, अच्छी नीयत से भी बोला होगा, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने कहा मैं बाद में जाऊंगी। फिर जब मौका आया हज का, तो मेरे साथ उनके और भी जो उनके बेटे और सब जो उनके उनके आगे की नस्ल थी, उन्होंने उमरा कर लिया। इनके पास पासपोर्ट नहीं था, ओके, तो बहुत जद्दोजहद करके इनका पासपोर्ट बनाया कि बस ये साल तो अल्लाह इनको ले, और माशाल्लाह से हटते खटते चलते फिरते कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्र भी ज्यादा थी लेकिन बहुत फिट थे, एंड बहुत बहुत मुसीबत के साथ उनका पासपोर्ट बनाया। जैसे पासपोर्ट है मेरे पास आज भी उनका फोटो, और उन्होंने पासपोर्ट ऐसा पकड़ा है कि वो इतने खुश थे। एंड कुछ 15-20 दिन के बाद, आई थिंक 20 दिन के बाद ही हमारा उमरा की टिकट्स भी आ गई थी। तो जब वो टिकट्स आ गई थी ना, बुकिंग सब हो गई, एंड अचानक से ना उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, और ऐसी हुई कि उनको पैर में तकलीफ हो गई, वो चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी नहीं, अचानक से। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि वो ऐसे खड़े हो भी नहीं पा रहे थे। जो इंसान ऊपर नीचे चलना फिरना कर ले, वो ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे थे।
फिर उन्हें नजदीकी एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 10-15 दिन उनका व्हाइट ब्लड सेल्स जो प्लेटलेट्स होता है वो कम हो गया, उन्हें चढ़ाया गया, सब हुआ। एंड देन मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा मैं इनको लेकर चले जाऊं उमरा पे, मैंने कहा मैं व्हील चेयर पे करा लूंगी इन्हें, बट मुझे लग रहा था कि मैं उनसे ज्यादा, ऑफकोर्स वो भी डेस्परेट थे, पर मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। मैं चाहती थी कि मैं इनको उमरा लेकर ही जाऊं इस साल। तो मैंने बोला फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। बट उनका ना लूज मोशन जो होता है ना, नॉन स्टॉप निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि इनका व्हाइट प्लेटलेट्स इतना गिर रहा है, तो वो कैसे करेगी, और अब उमरा का वक्त जो टाइम होता है बहुत शदीद गर्मी होती है। तो अब वो किसी और की वालदा, लेके जाने भी डर लगे कि खुदा ना खास्ता। अब हम उमरा उनके बिना चले गए और बस हम उमरा से वापस आए और 10-15 दिन में उनका इंतकाल हो गया। एंड तभी आपको रियलाइज हुआ कि यू नो ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना लाइफ में, इसे जाने नहीं देना चाहिए कि हम आगे करेंगे या हम बाद में चले जाएंगे। आपको जब मौका मिले आप जाओ, आप नियत करो कि आपको जाना है। क्योंकि जब मैंने वो देखा ना, मैंने सोचा कि यार जब लोग कहते हैं ना कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करते, आप भी दुआ करें अल्लाह उनकी मगफिरत करे, लेकिन ये सारी चीजों से हमें सबक मिलता है। इससे कोई नेगेटिव बात नहीं है, पर सबक मिलता है कि वाकई अल्लाह जिसे बुलाना चाहे, पासपोर्ट हाथ में, टिकट रेडी, वीजा आ गया और सिर्फ एक हफ्ता रह गया आपको फ्लाई करने के लिए, और अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस एक हफ्ते से पहले एकदम फिट रखा, एकदम फिट। एंड इमेजिन उमरा जाने से पहले ही। तो वो जब मैं चीज सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज को अपनी लाइफ में ग्रांटेड के लिए नहीं ले सकती हूँ। आप कोई भी चीज ग्रांटेड पे ना लेके, हम आज जैसे मेरी सिस्टर्स थे, जब हर साल मेरे फैमिली में से कोई ना कोई हमें ज्वाइन करता था उमरा में, यू नो मेरे साथ आते थे, तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे, अच्छी के लिए बोलते थे। उनका एक एक उमरा होता था तो वो कहते थे अरे तुम तो, क्योंकि हर साल मैं नए फैमिली मेंबर के साथ जाती थी, तो वो कहते थे अरे आप तो माशाल्लाह से हर साल चले ही जाते हो, अभी हम लोग पता नहीं नेक्स्ट कब आएंगे, आप तो हर साल चले ही जाते हो। एंड आई वॉज थिंकिंग कि अल्लाह ने कैसा निजाम बनाया, मेरा 2018 से उमरा जाना ही बंद हो गया। 18 में मैंने काम शुरू किया, 19 में नहीं जा पाई, 20 से लॉकडाउन, 21 भी, अब रो रहे और तड़प रहे कि अल्लाह बुला ले। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा भी हो तो आप जा पाओ। अल्लाह ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि सब होते हुए भी नहीं जा पाते हो आप। कितने लोग हैं जो हज नहीं जा पाते बिकॉज हज इज एक्सपेंसिव, यू नो पेमेंट पैसा नहीं है, पर कितने लोग हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है पर जाते ही नहीं है। मैं किसी को जानती थी जो मैं कहती थी उन्हें कि आप अपनी अम्मी को भेज दीजिए, तो कहते थे नहीं, अम्मी ने कहा कि मेरे बदले आप किसी और को भेज दी जिसके पास पैसे नहीं है। मैंने कहा बेशक आप 10 को भेज दीजिए, आप पे तो फर्ज है ना लेकिन जाना। आप सोचो, जब मैं ये कभी कभी जब लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुनती हूँ ना, मुझे डर लगता है कि कभी कभी ऐसी बातों में शामिल होकर सुन लेने से भी मुझे गुनाह ना हो जाए कि यार मैंने ये बातें सुन के अप्रिशिएट, क्योंकि कभी कभी माहौल ऐसा होता है और आप कुछ ऐसे लोगों के साथ होते हो कि आप बोल नहीं पाते हो कि बुरा ना लग जाए, कैसे बोलूं, उम्र में बड़े हैं, औहदे में बड़े हैं, जो भी चीज है। पर कभी कभी ये सारी चीजें देख के लगता है कि अल्लाह ऐसी चीजें हमारे जुबान से कभी मत निकालना, यू नो, क्योंकि ये कितनी डरावनी चीज है कि ऐसा हो सकता है। जब मैं 2013 में उमरा पे गई ना, मैं हमेशा यही दुआ करती थी, आप यकीन मानो ना मानो, मैं अल्लाह से एक ही चीज की दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे इस हराम से निकाल दे और हलाल में डाल दे, मुझे हलाल की रोजी दे दे, मुझे नहीं पता कैसे दोगे, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ आता भी नहीं है करने, क्योंकि मैं एक्टिंग में ही रही हूँ और लकीली मैं स्किन केयर में बहुत अच्छी थी। तो अल्लाह ने कैसे गैप से निजाम बनाया कि मेरा क्लिनिक ही खोल दिया। अब उस साल तो बहुत जद्दोजहद से वो क्लिनिक खुला था, तो और रमजान के टाइम पे खुला था, तो अनफॉर्चुनेटली वही मेरा पहला साल था जब मैं जाना मेरा 2018 से, यू नो उस साल से नहीं जा पा रही थी। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह हलाल का जरिया बना दे, हलाल का जरिया बना दे, हलाल का जरिया बना दे और मुझे सही रास्ते पे लेके आ जा। आज जब मैं कुछ कुछ चेंजेस अपने अंदर देखती हूँ ना, तो और जब मुझे फ्लैशबैक याद आता है तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह 24 घंटा खैर मांगो, अल्लाह से अच्छा ही मांगो, अपने गुमान से भी बेहतर मांगो, क्योंकि अल्लाह पूरे दिन में कोई भी दुआ आपकी सुन सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर जब मैं सऊदी जाती थी,
उम्रा पे बहुत सारे लोग हिजाबी को देखते हैं ना, जो हम जैसे लिबरल्स होते थे वो टाइम पे, तो कहते थे यार कैसे रह लेते ना इतनी गर्मी में, इतना हिजाब सर बंद। वो एक लेवल है। दूसरा, हम जाते थे खाना खाने के लिए, हम देखते थे वो नकाब उठा के खाते थे, सोचते कैसे खा लेते होगे ना ये लोग, मतलब कैसे, मतलब ऐसे उठा के ऐसे कोई कैसे खा सकता है। एंड मेरे साथ जो और भी पहचान वाले, तो कुछ कुछ एक साथ आप एक ही बार जाते रहे तो बहुत पहचान वाले मिल ही जाते। एक बार ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आता भी था, बट कभी कभी जब मैं हिजाबियों को देखती थी ना, मैं कहती थी अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। तो जब आज मैं अपने आप को देखती हूँ कि आज मैंने हिजाब ले लिया, तो मुझे लगता है मेरी उस दिन की दुआ कबूल हुई है जो मैंने मक्का में अल्लाह से दिल से मांगा कि अल्लाह मुझे भी इन जैसा बना दे। तो अल्लाह ने कहीं ना कहीं एटलीस्ट आप जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा आप लोगों से थोड़ा थोड़ा पहुंच रही हूँ मैं आपकी तरफ, एटलीस्ट आधा रास्ता पहुंचा दिया है मुझे। तो बस आप यही कोशिश करें कि जब हम ये चीजें देखें, अल्लाह से बेहतरी मांगे, अल्लाह से खैर मांगे, अल्लाह से अपने गुमान से ज्यादा मांगे। हम तो इंसान है, हमारी सोच और चाहत ना बस इतनी सी होती है, हमारे लिए इतनी बड़ी होती है, पर एक्चुअली वो दुनिया में इतनी सी होती है। तो कहते हैं ना अल्लाह को अल्लाह की जात के हिसाब से मांगे। आप कुछ भी मांग सकते हो, मैं तो जन्नतुल फिरदौस के नीचे मांगती ही नहीं हूँ, उसके नीचे वाली सिक्स वाले में भी हमको नहीं आना, उसके नीचे हमको टॉप वाली में ही रहना है। अल्लाह मियां देना तो यही देना, आपकी जियारत करनी है मुझे, मुझे आपसे सूरह रहमान सुनना है, मुझे मेरे नबी पाक से सूरह यासीन सुनना है, मुझे मुझे वही चाहिए, और मुझे मेरे घर वालों के लिए भी वही चाहिए, मुझे उम्मत के लिए भी वही चाहिए। अब अगर मुझे लोगों के लिए चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दावत का काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं दावत का काम नहीं करी तो मैं लोगों को कैसे बता पाऊंगी कि यहाँ तक पहुंचने का तरीका क्या है, या जिनको पता है मैं उनको इंस्पायर कैसे कर पाऊंगी। हर किसी को ना पुश की जरूरत होती है। हम रोज नमाज पढ़ लेते हैं पांचों वक्त की, कभी कभी आलस आ ही जाता है ना, एक पुश की जरूरत होती है। कभी आपके कभी मैं अम्मी को देख के चलो ये खड़े हो गया, मैं अब तक पड़ी नहीं खड़ी हो जाती हूँ, कभी मेरी बहन को देख के, कभी मेरे हस्बैंड को देखकर। तो हर इंसान को जिंदगी के हर पड़ाव पे ना एक मोटिवेशन चाहिए मरते दम तक, एक अल्लाह का प्यार। और वो जुनून होता ही है, बट इंसान है, नफ्स है, कंट्रोल तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं। उनके लिए मैं दो रकात अलग नमाज पढ़ती हूँ मेरी नफ्स के लिए। तो उसके अलावा भी बहुत जरूरत पड़ती है कि आपको कोई मोटिवेट करे। तो अब मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं जिनसे जुड़ू, मैं उनसे जुड़ू जो मुझे अल्लाह की याद दिलाए, जिनको देखकर मुझे अल्लाह की याद आए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन लोगों को मुझसे जोड़ा है, कहीं ना गैप से सब लोग गैप से आ गए। आज जैसे असफिया आपा को मैं जानती हूँ, ऑल ऑफ सडन मैं निकाह में हम मिले, एंड क्योंकि अनस की इनके हस्बैंड रजाक भाई से बहुत अच्छी पहचान है, मेरा कब इनसे ताल्लुक जुड़ गया मुझे पता ही नहीं चला, जबकि हम लोग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट पीपल, बट ऑब्वियसली चेंज होने के बाद मैं एकदम ही ऐसी, मतलब मैं बहुत जल्दी घुल मिल गई हर चीज, मतलब लाइफस्टाइल में हर चीज में। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को जोड़ते गए मेरे साथ, और साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और लोगों को, जो लोग मेरे जैसे बेचारे थोड़े पीछे रह गए, मैं उनको भी अपने पास बुलाती जाऊँ। और देखो दावत देने का काम ना मोहब्बत का है, जो दावत है वो काम ही मोहब्बत है, वो आप चिल्ला कर किसी पे जोर जबरदस्ती करके डंडे मार के आप नहीं कर सकते हो। मैं भी घर वालों के साथ कर सकते हो, बट बाहर ये काम नहीं हो सकता। मेरे घर में तो मुझे इंस्पेक्टर ही बुलाते थे। मेरी मम्मी तो पहले ये कहती थी, जब मैं उमरा करके नया नया हम आने लगे और मैं नमाज की एकदम पाबंद, एकदम फुल ऑन 5 वक्त ऑन टाइम, मुझे ऐसा लगता था वाओ अब मैं अगर पढ़ती हूँ तो कोई 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, मैं इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी। तो मेरी मम्मी कहती है मतलब अगर तूने दिन का काम शुरू किया तो डंडे मार के मुसलमान बनाएंगे लोगों को, मतलब मम्मी लोग का ये लैंग्वेज होता है। एंड जब चीजें लास्ट ईयर मेरे अंदर चेंज होने लग गई ना, तो मैं बहुत, एक होता है ना जब आप जो चीज में ज्यादा घुस जाओ जुनून हो जाता है, बहुत जुनून हो जाता है। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स, मैं जब दावत का काम शुरू कर, ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं, तो घर वालों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज आपसे बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट। ऑफ कोर्स दिल में हमेशा एक रहता है कि
कि जितना वक्त वो आपके साथ अभी तक गुजार चुके हैं आगे उनके पास उतना वक्त है कि नहीं। एंड आई थिंक पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता एंड इररिप्लेसेबल लॉस है। मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ, मुझे डर भी लगता है, मुझे मोहब्बत भी होती है। मुझे लगता है एक दिन होगा जब ये मेरे सामने नहीं होंगे और तो जाहिर सी बात है हम कोशिश करें कि हम अपने माँ बाप अब जब आपके साथ है तो आप उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें और जो भी यू नो उनकी डांटों को उनकी बातों को सीरियसली ना लें, इतने सीरियसली ना लें क्योंकि वो आपके लिए खैर ही चाहते हैं। और मुझे तभी ऐसा था कि यू नो जब मैं चीजें सब पढ़ने लग गई और सब सीखने लग गई तो मुझे पता चला कि यार मैं जो गलत करूंगी इसका असर मेरे माँ बाप को भी होगा क्योंकि अल्लाह तो उनसे सवाल करेगा ना कि आपको मैंने इन, 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 इनकी इनकी माँ बना के क्यों भेजा कि आप इनको सही रास्ता दिखा सके, लेकिन ये पूरी जिंदगी गुमराह रहे, आपने क्या किया। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी के ऊपर ये सवाल उठे आखिरत के दिन। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी सिर्फ इस दुनिया में खुश रहे कि मैं काम कर रही हूँ, उनके लिए एक्सपेंसिव कपड़े ला रही हूँ, इन्हें घुमाने लेके जा रही हूँ, पर इनकी आखिरत जीरो कर रही हूँ एक ऐसा काम करके जो गैर मुनासिब है। और इस पे तो हर मतलब अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, हर किसी की लानत है जब इंसान गुमराह हो जाता है तो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप के साथ इस तरीके से हो। तो जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में सबसे पहले आया जब मैंने तौबा भी की ना, तो मैंने अल्लाह से यही नियत की कि अल्लाह मैं तौबा तो कर रही हूँ बट मेरी तौबा का सबसे मेन 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 रीजन है डेफिनेटली मेरी मगफिरत तो है, बट या अल्लाह सबसे पहले मेरी माँ बाप की मगफिरत कर देना क्योंकि ये लोग जाने अनजाने में मेरी इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं और पता नहीं किस चीज की वजह से ये यू नो मुझे रोक नहीं पाए, मैं रुक नहीं पाई, जो भी हुआ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका अजाब इनको पड़े। और मैंने रियलाइज किया कि अब मैं इतना अच्छा करना चाहती हूँ, इतना अच्छा करना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी को इतना अच्छा करना चाहती हूँ कि इन सब का सवाब मेरे माँ बाप को मिले। और जो ऑफ कोर्स यू नो मेरे नाना नानी है सब जब मुझे अनस बताते थे तो कहते थे कि हमारे पूरे घर वालों को दिखाया जाता है बाकायदा हम क्या करते हैं हर जुमेरात को कि आपकी आने वाली नस्ल क्या करती है। एंड आई वाज लाइक मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे नाना नानी ये देखे, मैं नहीं चाहती हूँ आगे जाके मेरे माँ बाप ये देखे। तो मेरा एक ही मैं हमेशा अनस को ये पूछती रहती थी कि मैंने तो तौबा कर ली कि शुरुआत में मेरे बहुत सवाल होता था क्योंकि मैं नई नई आती थी ना, नई नई चेंज हो रही थी, नई नई चीजें सीख रही थी तो दिल बहुत ऊपर नीचे रहता था। तो मैं हमेशा ये बोलती थी अनस को, अनस श्योर ना मेरी मगफिरत हो जाएगी, मुझे तो मतलब डाउट नहीं है पर डर लगता है। तो दुआ तो हमेशा मांगती हूँ पर कभी भी यू नो एक डर बैठा रहता है कि अल्लाह ने मेरी मगफिरत करी है कि नहीं, मेरे गुनाहों को माफ किया है या नहीं, क्योंकि एक होता है ना जाती गुनाह होता है, ठीक है, जो आपसे जुड़ा है, आप अब अपने घर में क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो वो आपसे जुड़ा है, कोई देख नहीं पाता है, आप कभी भी तौबा करके करेक्ट कर सकते हो उस चीज को, है ना। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे प्रोफेशन में थे, कहते ना ऐलानी गुनाह, खुद तो कर ही रहे साथ ही साथ और लोगों को अपने साथ लेकर डूब रहे। अब मुझे जब इतना मजमा फॉलो करता था, मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 42 लाख फॉलोअर्स है, फेसबुक पे 20-30 लाख फॉलोअर है, स्नैपचैट पे है, एंड आई वॉज लाइक मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुमराह कर रही हूँ और इनकी नस्लें चलती रहेगी जो इनसे देखकर इस सब का तो इनडायरेक्ट गुनाह मुझे आएगा ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, एंड तब मुझे पता था कि अब मेरा काम दावत का है। और जो मैंने ऐलानी चाहे आप मुझे तो सच्ची कहूँ तो वर्ड बोलते हुए भी शर्म आती है क्योंकि मैं खुद के लिए ही बोलूंगी तो मैं स्किप करूंगी, बट जो भी हम करते थे खुलेआम एटलीस्ट यू नो मेरा ये था कि अब मैं उसी प्लेटफॉर्म को उसी लोगों को यूज करके अपना सही चीज उस प्लेटफॉर्म को एक सही चीज का जरिया बनाऊंगी और दीन की दावत देने का एक जरिया बनाऊंगी। और कहते ना कि कोई चीज अगर आपको
कोई गुनाह की चीज हो अगर आपको करेक्ट करनी हो तो आपको पहले वही चीज से करेक्ट करना शुरू करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ये 2019 से ही आ गया था कि जो मैं कोई वीडियो डालती थी कोई ये डालती थी, मैंने कहा यार मुझे देख के चार लोग और बना रहे, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा होता था ना, मुझे देख के इन लोगों ने इतना टिकटॉक बनाया, वाह मुझे देख के लोगों ने ये डांस किया, मतलब मैंने इन्फ्लुएंस किया। अब प्रोफेशन में है तो कर भी रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मैं कैसे बोलूं कि यार ये मत करो, मतलब मैं तो छोड़ने ही वाली हुई है, यू नो आई एम ऑन दैट वर्ज कि मैं छोड़ने वाली हुई है, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं बस ये अभी कर रही हूँ पर मैं छोड़ने वाली हूँ, मैं मेंटली रेडी हूँ इस चीज को छोड़ने के लिए, लेकिन आप लोग मत करो क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं एक बिकॉज मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही हूँ। आजकल इंडिपेंडेंट लेडीज में या बॉयज में प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट है ना स्टबर्न है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ बोलती हूँ वही सही है, ये इंडिपेंडेंस का गलत तरीका है। इंसान इंडिपेंडेंट के साथ स्मार्ट होना चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन मैं स्टबिन नहीं रही, ये चीज गलत है, ये मुझे नुकसान दे रही है, मुझे बदलना है, मुझे अपने ख्याली पुलाव में नहीं रहना है कि नहीं मैं ही सही, मैं ही, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता, मैं इससे ऊपर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है, नहीं आज मुझे कोई मेरे से छोटा बच्चा सिखा के चले जाएगा जो मुझे नहीं पता हो। तो ये एक चीज मैंने सीखी कि आपको कोई भी सिखा सकता है, एक जाहिल इंसान जिसको अगर दीन की बात करूं तो दीन का कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी चीज सिखा दे जो आपने इतनी बुक पढ़ ली तो भी नहीं पता है, और कोई छोटा बच्चा आपको सिखा दे। मेरे घर में तो जितने मेरी ननंदों के छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे से दुआ पढ़ते हैं, सारी दुआएं, मैंने कहा लगता है इनसे ही सीखनी पड़ेगी आधी दुआएं मुझे, तो यू नो इनको देखकर इतना अच्छा लगता है कि जब मैं इनको देखती हूँ ना मेरे घर में यू नो बच्चों को, तो मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं कि व्हेन आई विल हैव किड्स दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, लाइक यही मेरा प्रेजेंट है और यही मेरा फ्यूचर है, और इसी चीज से मुझे मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली नस्ल भी इसी चीज से मोहब्बत करे क्योंकि इसी में उनकी कामयाबी होगी, एंड उसके लिए मुझे ग्राउंड अभी बनाना जरूरी है, मुझे खुद स्ट्रांग रहना जरूरी है। मैंने लास्ट ईयर रमजान में चांद रात में नियत की अब सब बंद, ओके एंड दोस्तों को बताया नहीं था कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो बेचारे तो कुछ तो आधे शौक से मर गए और कुछ अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग मुझे देख के बोलते हैं हमको यकीन नहीं हो रहा तू वही लड़की है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो जब शुरुआत हुई चांद रात से टीवी देखने का, मुझे याद भी याद है चांद रात थी और मगरिब की अजान हो गई, मैं एक वेब सीरीज देख रही थी, उसका एक ही एपिसोड बचा था, वो सीजन खत्म होने वाला था, एंड मैंने अनस को फोन पे बोला देखो चांद तो दिख गया है, मैं नमाज भी पढ़ ली हूँ, मेरी नियत तो कि मैं एक एपिसोड देख लूँ प्लीज, ताकि मेरे दिल में ये नहीं रहे कि फाइनल हुआ क्या था क्लाइमेक्स में। तो अनस इज लाइक अनस न्यू कि इसके बाद आई एम गोइंग टू चेंज, एंड वो इंसान जिसके साथ जिसके ऊपर काम करता समझ जाता है कि तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी, चांद रात की रमजान शुरू हो रहे थे, और उसके बाद मैंने फटाफट एक एक एपिसोड वो सीजन का देख लिया था, सीजन टू का, फिर वो सीजन खत्म का हाँ हो गया। उसके बाद से जो मैंने टीवी पैक करी हूँ आज तक वो टीवी नहीं खुली है, माशाल्लाह से मेरी मम्मी को भी टीवी सीरियल देखने की आदत हो गई। हम क्या सोचते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मसला क्या है, जब मम्मी लोग देखते हैं ना हम कहते हैं अरे बेचारे इतने बुड्ढे बुजुर्ग यार किधर जाते तो है नहीं, घर पे ही तो रहते, देख लेने तो ना सीरियल क्या जाता है। ये आज बहुत लोगों का सोच हो चुका है, क्योंकि ये मेरा भी सोच था, मैं तो अपनी सोच ही बताती हूँ कि मैं क्या सोचती थी, अरे बेचारे मेरी मम्मी इतने माजूर है इतने उल्टे कहाँ जाते बाहर, तो लोग घूमने फिरने जाते एक जगह बैठ के, एक सास बहू का तो सीरियल देख रहे, कौन सा डांस गाना देख रहे, पर वही चीज उनको मिसलीड करती है, मुझे मिसलीड करती है, उनका नमाज का वक्त लेट होता है, कुरान शरीफ पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि उनको सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, इसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है, उसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है। तो आई रियलाइज कि सबसे बड़ा फितना तो ये टीवी ही है, तो सबसे पहले तो मैंने टीवी का ही पैकअप करा दिया मेरे घर से, लेकिन अब बेचारी टीवी खराब ना हो जाए तो उसमें हम लोग यू नो हफ्ते में एक बार YouTube कनेक्ट करके नात लगा देते, बयान लगा देते, मैंने कहा टीवी चालू रखना है, कुछ कुछ काम में तो है बिचारी, जब इसने देखो गाना ही गाया और सीरियल के एटलीस्ट बिचारी कुछ नात वात सुना दे हमें, अभी कुछ बयान सुना दे, इससे भी थोड़ा हलाल का काम करा ही लेते। तो यू नो टीवी देखना बंद हो, मेरी मम्मी इतनी अडिक्ट थी टीवी की
लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने वो भी अब बंद कर दिया, तो अब उनके पास थोड़ा पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त होता है और अब उनके अंदर भी वो चाहत नहीं है मुझे देख देख कर, यू नो, लकीली वो आ गया। जब मैं नया नया सीखती थी तो मुझे नहीं पता था कि वॉशरूम में सर पे दुपट्टा लेकर जाते हैं। अल्लाह वाज लाइक, मुझे अनस ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, मैं दुआ दुआ पढ़ के जाती थी। वो मैंने बहुत पहले सीख लिया था वॉशरूम में जाने की दुआ, बहुत पहले, 3 साल पहले। तो मैंने वॉशरूम के बाहर ही दुआ लिख दी थी क्योंकि बाहर नहीं हुआ था ना, तो मैं जो भी दुआ होती है ना, आईने में दिखने की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, जो जो सीखना होता है मैं उधर ही लिख के रख देती हूँ, ताकि जब मेरी नजर पड़े तो पहले दुआ पढ़ू फिर वो करूँ। तो मैंने ऐसे आईने में दिखने की दुआ लिख दी, वॉशरूम में जाने की दुआ लिख दी, एंड मैं पढ़ पढ़ के जाती थी, पर सर पे दुपट्टा लेना इसका नॉलेज ही नहीं। फिर जब 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 सिखाते गए तो फिर मैं दुपट्टा लेके जाऊं शुरुआत में। फिर मैंने मेरा बेड ना बहुत बाथरूम के नजदीक है, तो मैं वहीं टंगा देती थी। तो एक वक्त के बाद आपको ना अपने आप को कुछ चीजों में ना इस्लामिक चीजों में रोबोट बनाना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं होगा। इतना रोबोटिक होता था कि रात को अगर मैं 3 बजे भी उठूं वॉशरूम जाने के लिए तो मैं दुपट्टा लेकर ही जाऊं। वो एक अंदर आ गया था, हैबिट हो गई थी। तो चीजों को ना कभी कभी हैबिट बनानी पड़ती है, वो इतने आसानी से नहीं आती है। तो मैं वो लेकर जाऊं, फिर पता चला कि यार वॉशरूम में तो जाके बात नहीं करना होता है किसी से। मैंने कहा अच्छा, मैं तो अंदर से आधी बात तो मैं वॉशरूम से करती हूँ। फिर ये चीजें मैं मेरी मम्मी को सिखाने लगी। मैंने कहा निको ऐसे नहीं करते दुपट्टा लेके जाने का। मेरी मम्मी जब देखो दुपट्टा भूल जाए, जब देखो दुपट्टा, मैं भाग भाग के अंदर जाके दुपट्टा पहना के आओ बाथरूम के अंदर, बेचारी अंदर लेके ले दुपट्टा ले दुपट्टा। फिर आदत इतने टाइम से बात करने की थी बाथरूम में, तो अब कैसे रुकेगी, टाइम लगता है ना। अब मेरी मम्मी जब बाथरूम में जाए तो होता ना शैतानी चीज है ना, अंदर जाके मेरी मम्मी को सब याद आ जाए बाथरूम में कि सना को ये बोलना है वो बोलना है। मैं एक भी सवाल का उनका जवाब ना, वो चिल्ला चिल्ला के उनके चिल्लाते रहे सना सना सना। फिर वो बाहर भी बीच में बोलूं, मैंने कहा कितनी बार बोला है बाथरूम में बात नहीं करते। फिर जब मैं जाऊं फिर उनको याद आ जाए कोई ना कोई काम। तो ये चीज सुनने में फनी लगती है, बट ये प्रैक्टिस करने बहुत टफ है, बहुत इजी लगता है, बट अब ऐसे ये चीज मिस हो जाती है। ये मसला तो फिर शॉर्ट लाइफ में हमारे हो ही गया। अब मुद्दा आया, मैं अभी जस्ट इसके पहले ही बता रही थी, मैंने कहा पहले ऑफ कोर्स मैं हमेशा से मॉडर्स्ट क्लोथ पर्सनली मेरे हिसाब से जो मॉडर्स्ट होता था वो पहनती थी। शूट में ऑफ कोर्स यू नो आप एक जो भी कैरेक्टर प्ले करते सब बातें होती ना, ये तुम थोड़ी ना हो, ये तो तुम एक कैरेक्टर हो, असल में तो तुम अच्छे कपड़े पहनते हो पर ये कैरेक्टर तो दिख के आ रहा है ना टीवी पे, जिससे मैं कैरेक्टरलेस लग रही हूँ उसका क्या। घर पे मैं दुपट्टा पहन के बैठी रहूं लेकिन टीवी पे मैं स्कर्ट में दिखाई दे रही हूँ, तो मैं तो फनी लगूंगी ना, कौन मेरी बातों का यकीन करेगा। अब क्या होता था ना, पढ़ाई तो मेरी पहले से चालू हो गई थी दीनी और हर फॉलो करना। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती थी ना कि आप वो चीज की दावत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके अमल में नहीं दिख रहा है। अब मेरे अमल में नहीं दिख रहा है तो मेरी बातों में जोर कैसा होगा? सामने वाला तो यही बोले ना पहले तू कर ले, मैं बोली यार तुम लोग के अच्छे के लिए बोल रही हूँ तुम कर लो, मैं तो कर ही लूंगी पर तुम तो करो ना। क्योंकि मुझे कोई भी चीज पता चले ना हदीस के बारे में, कोई भी अच्छी चीज, छोटे छोटे अमल होते हैं। तो मैंने कहा, मैं सोचती थी कि हमेशा मैं फॉरवर्ड कर दूं, पर आई थिंक ये भी एक चीज थी जो मुझे 2019 में बहुत परेशान करती थी कि मुझे कुछ चीज डालनी होती थी, मुझे लगता था ये मैं पर्सनली कर रही हूँ लेकिन मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा जाहिर अभी बराबर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये करके शायद हाइपोथेटिकली शायद मेरी मगफिरत हो जाए, पर सामने वाले को ये पता नहीं ना कि मैं ये अमल भी कर रही हूँ, और वो जो मुझे देख रहा है जो मैं हूँ नहीं वो कर रहा है, लेकिन जो मैं हूँ वो नहीं कर रहा है। तो मैं तो मुनाफिक हो गई ना कि मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ जन्नत की तरफ लेके जाने के लिए, लेकिन सामने वाले को जहन्नम में लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं डाल सकती, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि यार ये खुद तो वैसा नहीं करती है। अब ये तो लाइफ में सबसे टफ डिसीजन होता है ना, जब आप चाहते हो कि आपको शेयर करो इस्लामिक बातें पर आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा टफ लाइफ में कुछ नहीं है मेरे लिए। अभी भी कुछ कुछ चीजें मुझे शेयर करने नहीं होती, मेरे पे चढ़ जाएंगे सब, मैंने कहा छोड़ दो इनको समझने दो अपने आप। तो कुछ चीजें आपको पकड़ के रखना पड़ता है, पर आप सोचते हो कि यार आप मुझे देख के हर चीज मत करो, मैं प्रोसेस में हूँ, यू नो, पर आप हर इंसान को अपना सोचना है। तो मैं जितना हो सकता है मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर जब जैसे जैसे आया, मैं अभी इनको बता रही थी अस्व्यापा को कि हिजाब हमेशा से ही मुझे लेना था, मुझे हमेशा लगता था हिजाब वाली लड़कियां कितनी क्यूट लगती है। एंड
जब मैंने ना मुस्तकिल दो बयान सुने एक दो तीन दिन में, एक मौलाना तो बहुत रो रो के बयान करते हैं, हमारे इंडिया के नहीं है पर वो इतना रो के बयान करते, जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं इतना रोकती हूँ, मुझे लगता है उनसे ज्यादा तो मैं रोती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि यार ये मौलाना का बयान है, अभी रोने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि दिल को छू जाती थी वो बातें, यू नो, क्योंकि आप देखो चीज को देखने के लिए दो तो कोई छाती पीट पीट के भी रोएगा तो आप नहीं रोगे, लेकिन अगर आप उसका फीलिंग समझोगे और आप अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे, तो वो आपके अंदर फीलिंग आ जाती है, वो बहुत नेचुरल है। तो मैं उनको बहुत देखती थी, क्योंकि जब आपको दिन करेक्ट करना हो ना तो लॉजिक के साथ ना इमोशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ लॉजिक से आप अपना दिन स्ट्रांग नहीं कर सकते, उसके लिए इमोशन और फीलिंग होना जरूरी है। इमोशन ऑफ कुर्बानी जो हमारे अहले बैत ने दी है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जो दूसरी कौमों में, यू नो, जो जो हम जहां शुरुआत से आए अगर आदम अलैहिस्सलाम से, तो कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी, तो उसके लिए इंसान के अंदर थोड़ा जज्बात तो होना जरूरी है ना। अगर आप उनकी कुर्बानी के बारे में बात सुनकर आप रोगे नहीं तो फिर आप इंसान ही नहीं हो। तो इन जनरल जो भी कुर्बानी से रिलेटेड आता है, एक इंसान के अंदर रोना आता है। जब मैं खुद पर्सनली कभी कभी सोचती हूँ जो चीजों की कुर्बानी दी है, जो देने लायक ही थी वैसे भी, बट यू नो जब आप देखते हो कि आप बदल गए हो तो एक रोना आता है। तो आई थिंक वो जो रोना और इमोशन ना, ये वर्ड कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ है। आज जब मैं, मेरे जो कुछ दोस्त है, ऑफकोर्स ईमान वाले भी, गैर ईमान वालों के लिए भी उतनी ही फिक्र करती हूँ मैं, जो मेरे दोस्त है, जो दोस्त नहीं भी है, जब मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ यार मैं ऐसा क्या बोलूँ इसको कि ये इंडस्ट्री छोड़ दे। और सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, सही दीन को पकड़ के रखे, जरूरी नहीं इंडस्ट्री वाला ही गलत है। लोगों ने ना सिर्फ हलाल हराम, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, हीरो हीरोइन से ही रखा है, बाकी और कोई प्रोफेशन में इनको ये नहीं दिखता है, जो गलत है। हर चीज में ये जुड़ा हुआ है। तो हमें जिंदगी सही तरीके से, कोई भी प्रोफेशन हो, हमें ये रुख इख्तियार करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये दोस्तों को मैं जानती हूँ एंड मैं इनके ईमान को, मैं इनके ईमान के लिए फिक्र भी करती हूँ, पर मैं ऐसे क्या करूँ जो मैं इन तक पहुंचूं, और मैं ऐसा क्या बोलूं। मैं अल्लाह से रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह कुछ लोग जिनको मैं नहीं जानती हूँ मुझे उनसे जुड़ा दे, और मेरे अंदर से ऐसी बातें निकाल कि बस वो उनके फायदे के लिए हो। यू नो, भले मैं बोल रही हूँ, भले मेरी जुबान रख, ऑफकोर्स मेरी जुबान रख ताकि मेरी भी मगफिरत हो जाए, बट ऐसा कुछ निकाल के बस ये बंदा बदल जाए और आपसे मोहब्बत करने लगे और आपके पास आ जाए। क्योंकि इसमें ही मेरी बड़ी जीत होगी कि मेरी एक और बहन या मेरा एक और भाई यू नो जहन्नम से बच गया और जन्नत की तरफ चला गया, फिर वो अपनी मेहनत करते रहे, एटलीस्ट एक पहला होल्ड जरूरी है। तो ये सारी चीजों को देखिए ना, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मुझे आज भी, क्योंकि यू नो जिन लोगों को आप अच्छा दोस्त यार समझते हो, जो आपसे इतने यू नो ऐसे थे, आज उनको देखते हो आप, तो कभी कभी मैं देख के, ऑफकोर्स उनके लिए हम हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, बट साथ ही साथ मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ये मैं थी कुछ महीने पहले, ये अगर मुझे आपने हिदायत नहीं दी होती तो आज मेरा भी यही हाल होता, मैं ऐसे ही घूम रही होती, ना मेरे पे पर्दा होता, ना मैंने हिजाब लिया होता, मैं ऐसी नाच गाना वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रही होती। अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे चुना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरे अंदर वो तलब, क्योंकि मेरे अंदर तलब नहीं होती तो कोई चीज सीखने की चाहत ही नहीं होती, सीखने की चाहत नहीं होती तो हिदायत कहां से आती। तो हिदायत के लिए तलब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज यू नो हमेशा मैं देखती हूँ और अल्लाह से शुक्र करती हूँ, और हमें हमेशा अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें दोनों जहां की आफियत दे, सिर्फ दुनिया की आफियत नहीं दे, क्योंकि हमें दुनिया में तो हर किसी को राहत और आफियत चाहिए, बट साथ ही साथ हमें आखिरत की चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से वो मांगते रहे। यू नो जैसे पहले ऐसा होता था कि जब शादी का वक्त नजदीक आता तो ही अच्छा हस्बैंड मांगने का, शादी हो जाती तो ही अच्छा बेबीज मांगने का, लेकिन मैंने रियलाइज किया नहीं, ये आपको पहले से ही मांगना है। यू नो कि पहले से ही आप ये सोच रखो कि मुझे एक नेक शौहर मिले। अब मैं पहले नेक शौहर मांगती थी, फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार जब मैं खुद ही नेक नहीं हूं तो अल्लाह मुझे क्यों नेक शौहर देगा। ये हमें भी सोचना जरूरी है, सिर्फ नेक के लाभ हटा दो आप, अगर आप झूठे हो आप अल्लाह से बोलोगे अल्लाह मुझे ऐसा शौहर दे जो झूठ नहीं बोलता, पर आप सुबह से शाम झूठ बोलते हो, तो यार अल्लाह आपको तो ना सच्चा झूठा सच्चा शौहर देगा, वो झूठा ही देगा ना, वो भी आपसे एक से आपसे तो चार कदम आगे होगा। तो हम जो दुआ अपने पार्टनर के लिए मांगते हैं ना, हमें सबसे पहले क्या करना है,
अपने ऊपर अमल करना है। तो जब मैं हमेशा अल्लाह से मांगू ना कि अल्लाह मुझे नेक शौहर दे, नेक शौहर दे, और मुझे हमेशा से, आप यकीन नहीं मानोगे, यू गोना लाफ, मैं हमेशा से सोचती थी, जब मैं देखती थी ना मेरे घर में मौलाना कुछ पढ़ाई के लिए आते, मैंने ऐसे बहुत सारी यू नो चीजें करी है, जब हम तो पढ़ते नहीं थे, बस बच्चों को जमा करो और खत्मे कुरान करो, और हमारे घर में जितने भी मरहूम है, ये जो इन्होंने दो चार सफे छोड़ छोड़ के पढ़े हैं, हम ये बख्शेंगे इन्हें। बच्चे तो वही करते हैं, और हम बुलाते भी बच्चे ही थे पढ़ने, बच्चों ने जे दो दो पेज की गुल्ली मारी, इतने जल्दी तुम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ कैसे लिया। तो यू नो मैंने बहुत सारी चीजें देखी, आई रिमेम्बर, बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, बट सूरह बकरा कहते पढ़ने, घर में पढ़ने से रोजी आती है, हम तो नहीं पढ़ सकते रोज सूरह बकरा, मैं काम भी करती थी, तो मेरे कोई आते थे सूरह बकरा पढ़ाने में 10 मिनट, कभी 10 मिनट में पढ़े, कभी मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं आपके सामने बैठ रही हूँ, दुपट्टा डाल के आप पढ़े जरा, मैं देखो आप पढ़ क्या रहे हो, मैं भी खोल के देखती हूँ आपने इतना फास्ट कैसे पढ़ लिया, इम्पॉसिबल है ना, 20 से 25 मिनट मिनिमम लगता है, एटलीस्ट आप ऐसा तो पढ़ो कि अल्लाह को पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हो, जब अल्लाह को पता ही नहीं चलेगा तो फिर रोजी कैसे आएगी, उन्हें क्या पता आप सूरह बकरा पढ़ रहे हो, ले ट्रेन फास्ट फास्ट ट्रेन, उससे भी फास्ट। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ही, ये चीज भी नहीं चलने वाली है, तो यू नो आगे आगे जैसे जैसे आपका दिमाग, जब इंसान अल्लाह जब दिमाग खोलता है ना, जब आपका सेल खोलता है ना, तो एक डब्बा जब खुलता है ना, फटफट आसपास की सब खुल, आपको सब लॉजिकल लगने लगता है। एंड आई वाज लाइक, जब मैं खुद पढ़ सकती हूँ इतनी सारी चीजें, तो मैं क्यों, तो मुझे ना शुरुआत से ना बड़ा, इन लोगों को जब मैं देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था वाओ मौलाना, मतलब अल्लाह ने कितना इल्म दिया है ना इन्हें, मतलब क्या पूरा आलिम है, पूरा कुरान पाक बाय हार्ट याद है, हमको तो एक सूरह भी याद नहीं हो रहा है, उनको पूरा कुरान शरीफ याद है, ऊपर से तर्जुमा भी याद है, इतनी हदीसें याद है, मतलब, और मैं इतने उलमा को सुनती भी थी, एंड मैं अल्लाह से कहती थी अल्लाह मुझे ऐसे ही एक शौहर दे दे, मतलब जब मैं आज सोचती हूँ मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ने कैसे कबूल किया वो, है ना, मतलब आप लोग भी ऐसी दुआ मांगे, ठीक है। तो मैंने जब मेरी पुरानी जिंदगी का अगर आप सोचोगे, तो कौन सोच सकता है कि यू नो जैसी मेरी लाइफस्टाइल थी, कि मुझे कोई इतना बड़ा इंसान मिल सकता है जिसके सीने में कुरान है, मतलब आज मैं सोचती हूँ अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, तो मुझे लगता है मुझसे खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मैं अपनी जिंदगी देखूं, तो मैंने कहा अल्लाह मियां आपने इतना नेक बंदा मुझे दे दिया कैसे। तो जब मैं ये दुआ करूं ना पहले कि मुझे नेक दो, तो मैंने सोचा कि देखो नेक अगर चाहिए तो उसके लिए हमें नेक बनना जरूरी है, क्योंकि जब हम नेक बनेंगे और हम अच्छे और सच्चे बनेंगे, तो 10 लोग अगर मेरी बुराई भी करें, लेकिन जो अच्छा जहन वाला इंसान होगा ना, वो समझ जाएगा नहीं यार ये लड़की अच्छी है, यू नो। तो मैं कोशिश करूं कि मैं अच्छे अमल करूं, क्योंकि जब अच्छा अमल इंसान करता है और अच्छी सोच रखता है ना, अल्लाह उसके चेहरे को नूर से भर देता है, और वो नूर दिखाई देता है लोगों को, और सही लोगों को तो ज्यादा ही दिखता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, यकीन नहीं मानोगे पिछले 2-3 साल से मैं अपने ऊपर ही काम कर रही थी कि मैं और अच्छी, पर मैं बहुत वेस्ट हो जा रही थी, यू नो चॉइसेस मेरी लाइफ में इतने गलत होते थे कि मुझे ऐसा लगता था यार ये मैं इतना अच्छा बन के मैं कहाँ वेस्ट कर रही हूँ अपने आप को। तो मुझे ऐसा था कि अल्लाह ने माशाल्लाह से सलाहियत भी दी है, दिमाग के मेरे डब्बे भी खुल रहे हैं, थोड़ा चीजें समझ में भी आ रही है, दिमाग के साथ दिल में उतर रही है, जज्बात भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इसे बर्बाद कर रही हूँ, तो मुझे इसे वेस्ट नहीं, क्योंकि अल्लाह कितनी बार मौका देगा, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद मौके भी कुछ वक्त ही आते हैं, दुनियावी और दीनी दोनों। तो मुझे ऐसा था कि अब मुझे मौका जाने नहीं देना है लाइफ में। अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उमरा पे होती थी ना, और जब मैं काबा के पास दुआ मांगती थी, मैं बहुत रो रो के अल्लाह से दुआ मांगती थी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2013 से नेक औलाद की दुआ मांगती हूँ, और मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे ना जब आप औलाद दोगे ना, तो उसे आलिम बनाना। आज जब मैं सोचती हूँ, हम कहते हैं ना, इसीलिए अल्लाह से कभी भी डिसअपॉइंट मत होना कि यार मैं इतने टाइम से दुआ मांग रही हूँ, मेरी दुआ कि यू नो कि अल्लाह से, हम कहते ना मैं 10 साल से, बहुत लोग होते ना कहते हम औलाद मांग रहे 10 साल से मांग रहे अभी तक नहीं हुआ, अरे मैं अल्लाह से कब से काम के लिए मांग रही हूँ, मैं कहती हूँ बिल्कुल नाराज, मतलब जब मैं 2013 में हलाल मांग सकती हूँ, नेक शौहर मांग सकती हूँ, आलिम मांग सकती, मेरी चॉइसेस भी आप देखिए ना, बच्चा जो
अब हस्बैंड तो मिला नहीं है, बच्चा भी आलिम चाहिए मुझे। मैं इतना सब 2013 में मांग रही हूँ, मुझे अल्लाह ने दिया ना 2020 में। 7 साल लगे ना, कितना 7 साल हो गए ना, 7 से 8 साल लगे, पर मिला। तो जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो, यकीन रखते हो और दुआ, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान को बोलती ना कि मैं ये दुआ मांग रही हूँ, तो सामने वाला सोचता है पागल हो गई है, इसको देखो ये नाच गाना करती है, इसे कौन नेक लड़का देगा, वो भी हाफिज़े कुरान, कौन इसकी इसके इसके बच्चे कैसे आलिम हो गए, ये तो गाना सुनते रहती है, डांस करते रहती, कहां से हो गए। पर आज अल्लाह ने उसको हस्बैंड देके पॉसिबिलिटी दे दिया कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे आलिम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। प्लीज इंशाल्लाह आमीन सब जो जो है सब बोल दीजिए मेरे लिए। तो एक अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीजें चेंज होते हुए देखी है, मतलब कहते ना मैजिक, वो मैंने देखा है। और आई एम श्योर आप सबके लाइफ में होता होगा, हम सब ना सिर्फ उसको नोटिस करना भूल जाते हैं कभी कभी कि अरे हाँ हमने तो ये मांगा था, हमने तो ये सोचा था, आज वो जाके हुआ है। तो लाइफ में ना कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। आप ये ना सोचे कि मैं कम हूँ, मैं कैसे करूंगी, कोई और हमसे बेहतर है, या मैं यहाँ पहुंच पाऊंगी या नहीं। और कोई कोई होता ना, कहते यार मैंने बहुत लोगों को मिली, मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ कुछ जो है, अरे हम तो इतने गुनाहगार हैं, अब हमको तो अल्लाह माफी नहीं देगा, अल्लाह तो हमको माफी नहीं देगा, ऐसी चीजें। हमको कोशिश करना है कि हम उन लोगों को मोटिवेट कर रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह तो किसी से भी काम ले सकता है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसी अल्लाह को कोई नाम की जरूरत नहीं है, अल्लाह किसी को भी इज्जत और नाम देकर उससे दीन का काम ले सकता है। किसने सोचा था अल्लाह आज मेरे से दीन का काम लेगा, मैं खुद नहीं सोच सकती। मैं तो आज भी कभी कभी अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं फिर अपने आप से बात करती हूँ लेकिन पॉजिटिवली कि अल्लाह आपने मेरे से ये काम ले लिया, मतलब मैं तो कोई लायक ही नहीं थी और लोगों की नजर में भी ना लायक थी, लेकिन आपने मेरे अंदर वो वैल्यू, आपने मुझे वो वैल्यू दिया, आपने मुझे इस लाइफ का कोई मीनिंग दिया और मुझे लोगों तक पहुंचने का जरिया बनाया। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है किसी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह अगर मुझ जैसे नाचने गाने वाले के साथ काम ले सकता है तो किसी से भी ले सकता है। अगर लोग अब नहीं समझे मुझे देखकर तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सबसे पहली बात है लोगों के लिए अच्छा गुमान रखें, क्योंकि कहते हैं ना पैसे से ज्यादा जो ज्यादा टफ वाला और जो सबसे गंदा वाला जो तकब्बुर होता है ना वो दीन का होता है। इंसान का पैसे का तकब्बुर कम हो जाता है लेकिन दीन का बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं पर्दा करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो इतने वजीफे पढ़ती हूँ, देखो इतनी की नमाजें कजा हो रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हम कभी अल्लाह हमसे कभी भी ये छीन लेगा, तो हमें कभी भी बदगुमान नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है और इस्लाम को पॉजिटिवली फैलाना है, लोगों तक सही दीन लेकर जाना है जो एक्चुअली हम तक सही लोगों के जरिए ही पहुंचा है। लेकिन हमने अब हम इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं लोगों के साथ कि हम तो सीधा मतलब उनको खारिज ही कर देते, मतलब वो तो इस्लाम में ही नहीं है हमारे हिसाब से। तो हमें कोशिश करना है कि हम लोगों को जो असल साइड है ना दीन का, मोहब्बत का, और अगर हम चाहते कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे तो हमें भी माफ करने वाला बनना जरूरी है। अगर हम लोगों को माफ करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम भी होती है तो अल्लाह से नियत कर लो कि अल्लाह मतलब मुझे नहीं माफ करना है इस इंसान को, बहुत तकलीफ दे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस बंदे को सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ आप मेरी मगफिरत कर दे, आप मेरे गुनाहों की माफी कर दे जब यू नो जब कयामत का दिन होगा। तो आप ये नियत करके अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे यू नो मैंने जो भी अपनी लाइफ में किया मुझे माफ कर दे, मुझे माफ करने वाला बना। हम कोशिश करें कि हम सच बोले, कहते ना कि ये एक मुसलमान की सबसे अच्छी पहचान है। जब किसी सहाबाओं ने जो मैंने सुना है उलमाओं से कि किसी सहाबा ने जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मुसलमान डरपोक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या वो बकील हो सकते हैं, कंजूस हो सकते हैं, बोले हाँ हो सकते हैं। क्या वो ऐसे जैसे थकेले कामचोर टाइप सी एकदम आलसी हो सकते हैं, बोले हाँ हो सकते हैं। वो टाइम तो लोग एकदम जंगजू थे ना, हो सकते हैं। तो बोले क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा दिन भी झूठ से शुरू होता है और खत्म भी झूठ पे होता है। तो सोचो हम पे कितनी झूठी लानत छाई हुई है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, लोग हमसे सच बोले, हमारे से हमारे घर वाले सच बोले, दोस्त यार सच बोले, हमारी बीवियां सच बोले, शौहर सच बोले, कैसे बोलेंगे। तो
इसीलिए सबसे पहले अपनी खुद की इस्लाह जरूरी है। अगर हम कोशिश करें तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट हम झूठ ना बोले, हमेशा मुस्कुराना वैसे ही सुन्नत है, और अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देख लो तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाता है और सामने वाला जब आपको देखता है उसका दिल भी खुश हो जाता है। कौन चाहता है कि किसी उदास इंसान से मिले? तो खुश मिजाज रहना, लोगों तक खुशियां पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो छोटी छोटी चीज है ना, ये हमारा जिंदगी का दारोमदार है। बड़ी बड़ी चीजें तो एक अलग चीज होती है, पर हमसे जो छोटे छोटे सगीरा गुना होता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो हम बस कोशिश करें कि जो जो चीजें हम सुनते हैं, सीखते हैं, और हम सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम खाना बनाना सीखते हैं यूट्यूब पे जो हमें नहीं आता है, मेकअप करना सीखते हैं, नया ट्रेंडिंग डिजाइन कौन सा है हिजाब में या सलवार कमीज में वो हम गूगल करके सीख लेते हैं। तो जब हम इतनी सारी चीज का गूगल के जरिए उनका इस्तेमाल करते हैं गूगल का और ये सीखते हैं, तो हम कोशिश करें कि थोड़ा वक्त निकाल के दीन के बारे में भी सीखे, क्योंकि असल तो यही है, हमें तो यही जाना है। मुझे इसलिए ये फनी लगता है क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, लोग ऐसे ऐसे सवाल मुझसे करते और ऐसी ऐसी चीजें इंस्टाग्राम पे, मुझे भी नहीं पता था ये चीजें। मैं अनस को कहती हूँ, मुझे हंसी भी आती है कभी कभी, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मैं नाखून पे नहीं लगाती थी, तो मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा, आई डोंट नो आपने ये सुना है नहीं सुना है, तो किसी ने लिखा, अरे औरतों को तो नाखून पे मेहंदी लगाना जरूरी है, कब्र में कैसे पहचानेंगे कि मर्द है कि औरत है। व्हाट मतलब डीएनए नाम की एक चीज है जो अल्लाह ने बनाई है, और अल्लाह ने ही मर्द को और औरत को बनाया है, कुत्ता बिल्ली हर किसी को बनाया है, कैसे अल्लाह नहीं समझेंगे जब आपका कबीरा से लेके सगीरा गुना का हिसाब लिखा हुआ है, तो वो नाखून से आपको तो ही ना पहचानेंगे। एंड आई वाज लाइक, मतलब अभी मुझे ये एक ही चीज याद नहीं आ रही, बट जब लोग लिखते हैं ना मुझे हंसी भी आती है, मुझे अफसोस भी होता है। मैंने कहा जब ये नॉलेज इनके पास ऐसी रॉकेट वाली नॉलेज है, इनसे बात करना पड़ेगा कि ऐसी रॉकेट वाली और कौन कौन सी इनके पास नॉलेज है जिससे सामने वाले का दिल दहल जाए पढ़ने के बाद। सो यू नो, ये लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ स्टडी, और हमें कुछ नहीं जानना, हम इस एरिया में रहे हैं, यहाँ पे ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, हर जगह का ट्रेडिशन कल्चर अलग है, ठीक है, बेशक ईमान वाले है। एग्जाम्पल हम गुजरात में है तो हमारे यहाँ शादी होती है ना तो ये होता है, हम बम्बई वाले हमारे ये होता है, हम अगर सऊदी में हमारा ये होता है। वो चक्कर में ना सब इतना खिचड़ी हो गया है कि असल जो पकड़ के रखना है ना लोग वो भूल चुके हैं। आप बेशक अपना कल्चर ट्रेडिशन सब फॉलो करो, बाकी की फिजूल चीजें बंद करो ना। अब जब मेरा निकाह होने वाला था, अब हम भी गैरों को तो छोड़ दो, जब मुसलमानों को देखते थे हल्दी डांस नगाड़े ढोल ले ये, तो मेरा भी ऐसा था, हल्दी होगी मेरी भी, येलो येलो सब पहनेंगे, ये सब ये इंस्टाग्राम देखिए, आधा दिमाग तो इंस्टाग्राम ने खराब कर दिया, ठीक है, तो मैं अब ये सब देखती ही नहीं हूँ, तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, ढोल रखेंगे बारात रास्ते पे, ले लड़कियां नाचते नाचते जा रही है बारात लेके अपने भाई की, और ये सब मुझे नॉर्मल लगता था, मुझे बाद में लगा क्या बेहूदगी है ये सारी चीजें। तो जब मेरा मैं जब चीजें तब्दील होने लगी, आई स्टिल रिमेम्बर मेरे घर में मेरे दोस्त, जब कोरोना था ना तो हम सब एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते थे, मैंने कहा यही सही मौका किसी से भी नहीं मिलने का और इसको कंटिन्यू करने का, ये लेगेसी को। तो जब रमजान आया ना तो कुछ लोग मुझे फोन करते थे, तो पहले तो एक दो शर्मा हुजूरी में मैं एक दो बार फोन उठा लेती थी, बात करती हूँ करती हूँ, फिर मेरा दिमाग खराब होने लगे, मैंने कहा यार ये इसको तो खुद को कुछ है नहीं है, मेरे भी लाइफ में मुझे ठीक होने नहीं देंगे, अब ये लोग फोन करे टाइम पास करने के लिए सिर्फ, मतलब घर में ना सब फिजूल बैठे। मैंने कहा देखो ये सब गैर महरमों से फोन पे बात करना गुनाह है, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है और इससे मेरा वक्त भी जाया होता है, ये बहुत हार्श हो गया, थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए था, पर मैंने कहा ये लोग नहीं समझेंगे, इनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उस इंसान ने मुझे तब से लेके आज तक कभी फोन नहीं किया, और ये चीज ये एक पहला इंसिडेंट हुआ, इससे ना एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस मिला। अब मेरे जो दोस्त थे, मैंने कहा मुझे किसी को बोलना ही नहीं है कि मैं सब छोड़ रही हूँ, किसी को नहीं बोलना है, मैंने कहा ये शैतान ना किसके भी जरिए आ जाएगा, मैंने मेरी अम्मी को भी नहीं बताया, मैंने कहा इनके भी जरिए आ सकता है, बताना ही नहीं है, अपने अंदर ही रखना है कि मैं बदल रही हूँ और ये मैं सीधा अनाउंस करूंगी, बस ये किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ अनस से शेयर करती थी मैं। तो
जब हम लोग शुरू हुई ना तो मेरे दोस्त लोग अरे आ जाओ मिलते हैं, कितना टाइम हो गया, अभी सब आ रहे हैं, ये वो। मैंने कह रही तो पीछे ही पड़ गए अब। तो मेरी एक्चुअली मेरे फ्रेंड की वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो एक बार मिल लेती हूँ, तो एटलीस्ट 2-3 महीने ये लोग ये गाना नहीं गाएंगे मिलने का, यू नो, फिर मैं खींच लूंगी आगे थोड़ा। और शुरुआत में मैं यही चीज खींचती थी, मेरे घर में मेरी बुजुर्ग अम्मी है, मैं कोरोना बाहर मैं नहीं जाऊंगी, घर में मेरी अम्मी को कुछ होगी, जबकि दुनिया थोड़ी चलने भी लगी। तो मुझे ये बहाना एप्ट लगता था किसी को भी नहीं मिलने का, यू नो, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला रही हूँ ना, टीवी बंद करने से थोड़ी ना कुछ होगा, बाकी चीजें भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं मेरे दोस्तों उसको मिलने गई, तो मेरा एक दोस्त था उसे बोला और ऐसे करके हाथ, तो मैं ऐसे हो गई, बोले ओ कोरोना कोरोना, मैंने कहा हाँ कोरोना कोरोना। मेरे को बताना ही नहीं है कि तो आज के बाद तुम तो उसको उंगली भी नहीं लगा पाएगा। तो होता है ना, जब आप ज्यादा लिबरल हो जाते हो, ज्यादा पढ़ लिख लेते हो ना, तो थोड़े जाहिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब मैं नई नई कॉलेज जाती थी ना, तभी मैं बहुत 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 ही सीधी थी स्कूल में, मतलब जीन्स नहीं पहनती थी और मेरे बाल खुले नहीं होते थे, शलवार का दुपट्टा नहीं होता था सर पे, लेकिन इतनी मॉडेस्टी थी मेरे अंदर। फिर जब मैं कॉलेज गई ना, तो मैं साल में एक बार जीन्स पहनती थी मेरे बर्थडे के दिन, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन मैं पहनती थी। फिर जब मैं देखूं कि लड़का लड़की हाथ मिला रहे एक दूसरे से कॉलेज में, और सबसे अमेजिंग तो मुझे लगता था गले मिल रहे ना, लेना ना देना, भाई ओ बाय इतने गले मिले, इतने जान बाय बोलने से एक बाय में 10 बार गले मिल चुके, बाय खत्म नहीं हो रहा इनका। तो मुझे शुरुआत में बहुत अजीब लगे ये, मैंने कहा कैसे यार ये लड़का लड़की कैसे गले मिल लेते, क्योंकि मैं अभी भी ना थोड़े नैरो नहीं करेक्ट माइंडसेट में थी, ये अपने आप को नैरो सोच के मैं बिगड़ गई। मैं बोली कैसे कर लेते ना, कैसे ऊपर रोड पे खड़े होके, कॉलेज के बाहर गेट पे खड़े होके गले मिलते ना सब, ओ बाय सी यू टुमारो, एंड मुझे ऐसा लगता था यार कैसे मिल लेते ना गले रोड पे खड़े होके, पहचान नहीं। फिर मुझे लगा यार मैं कितनी अजीब लगूंगी ना अगर मैंने ये नहीं किया, तो मुझे ट्रेंड फॉलो करना है, यहीं से ही चीजें खराब होती है एक्चुअली। तो मैंने भी पहली बार जब किसी ने मुझे बाय बोल के गले, मैंने कहा हाँ सब मिलते, तो यू नो यही प्रॉब्लम है कि जब हम कोई जगह जाते हैं ना, तो लोगों को अपने जैसे नहीं बनाते, हम उनके जैसे बन जाते हैं। और आप अगर किसी अच्छे को देख रहे हो तो बेशक उनके जैसे बन जाओ, लेकिन मैं अपनी अच्छी छोड़ के मैं उनके जैसे क्यों कार्टून बन रही हूँ। तो मेरा ये जो कार्टून बनने का जो स्टेप था, ये यहाँ से मेरे कॉलेज से शुरू हुआ, वो था गले मिलने से गैर महरमों को, जो मुझे लगता था कि इसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि मेरी नियत तो इसके लिए अच्छी है ना, और इसके लिए हम तो काम वाले, कभी कभी मिलते, कोई कोई तो वापस मिलता भी नहीं है, यू नो, काम के इसमें तो ये इंग्लिश कल्चर है मिलना, हाथ मिलाना, गले मिलना, तो मुझे ये लगता था ये नॉर्मल है, क्योंकि हमको वैसे ही पढ़ाया जाता था ना, इंग्लिश स्कूल में जाते हो, कॉन्वेंट में जाते हो, ये चीज नॉर्मल लगती है। यहाँ से शुरू हुआ, अब मुझे लगे कि ये ऐसी, तो आहिस्ते 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 लाइफ में तब्दीली आने लगी, आप मॉडर्न बनने लगे, फिर ऑब्वियसली दुपट्टा हटते गया, फिर वो एक दिन गायब हो गया, शलवार कमीज होती थी तो भी दुपट्टा नहीं होता था, क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते थे, पहले हमको लगता था कि शलवार कमीज में दुपट्टा तो होगा ही, भले वो इधर लटका हो इधर अटका हो पर होगा। फिर जब हम ज्यादा लोगों से मिलने लगे और ज्यादा लिबरल हो गए, तो हमने देखा यार लोग तो सलवार कुर्ता पहन के आते हैं कॉलेज, लेकिन दुपट्टा नहीं ओढ़ते, हम क्यों ओढ़े। तो तभी नहीं हुआ, थोड़ा बाद में, बट ऐसा लगा कि सलवार कमीज बिना दुपट्टे के भी एट टाइम्स अच्छा लगता है, ये दिमाग में सेट हो गया, क्योंकि हमने वो माहौल अपने आप को, उस माहौल को अपने अंदर उतार लिया। तो इस तरीके से जब चीजें चलती गई तो चीजें बदलती गई। अब जब ये जो मेरे दोस्त थे, ये लोग ईद में मेरे घर पे, मेरे एक दोस्त आए, सबसे पहले हमेशा मेरे घर के सबसे नजदीक होते, तो वो मिलने आते थे, क्योंकि इतने कोई मेरे बिल्डिंग में कोई है नहीं मुसलमान, अभी दो है पर इतनी बातें नहीं होती थी, अब थोड़ी मैं ज्यादा फैमिली से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो जब उनसे जब मुलाकात हुई ना वहां पे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब इनसे फासला रखना ज्यादा जरूरी। तो उन्होंने मुझे आके बोला ईद मुबारक, मैंने हाथ नहीं मिलाया, मैंने कहा ईद मुबारक, तो वो सब, मैंने कहा नहीं यार हाथ लगा के बात नहीं करना चाहिए, आप दोस्त एक अलग चीज, बात नहीं करो हाथ लगाकर। एंड आई थिंक तब से वो एक जो सिलसिला शुरू हुआ। फिर आया तीसरा मेरा बर्थडे, उसमें मेरे मुश्किल से 3 से 4 मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो मुझे इन तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था और इनको तो पता ही चल जाता। तो जब ये लोग आए, मैंने कहा यार अब ये केक भी काटना पड़ेगा फिजूल में मुझे,
तो मैंने कहा मैं इनको क्या बोलूं, मैंने कहा चलो कर लो ये आखिरी है, इसके बाद तो अगले साल से मैं दिखना भी नहीं हूं तुम्हें। तो ये लोग केक लाए। अब मेरे घर में एक स्पीकर होता था जहाँ पे वो घिसा पिटा तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू हैप्पी बर्थडे टू यू ये चलता था। तो मेरे दोस्त ने जैसे वो स्पीकर लगाया मैंने इतने जोर से चिल्लाया कि उसे डर के उसका फोन गिर गया। मैंने कहा ये नहीं करना, बिल्कुल म्यूजिक नहीं लगाना, और मैं पूरा दुपट्टा उपट्टा लेके बाहर आई थी। फिर बोलो मेरे बाजू में खड़े हुए वो बोले हैप्पी बर्थडे गा सकते, मेरे ताली बजा सकते। मैंने कहा ठीक है, बिकॉज यू नो मैं उनको इतना स्ट्रिक्ट रिलीजन नहीं दिखाना चाहती थी। आई वाज लाइक यू नो इवेंचुअली दिस सीरी बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना, वो लंबा गैप है अभी अगले बर्थडे के लिए तो देख लेंगे। तो इस तरीके से जब चीजें चेंज हुई ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ। मुझे फिजूल में ऐसा लगा कि यार मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। तो जब ये चीजें चेंज होने लगी और जब मेरे दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा तो जो लोगों को लगता है कि अरे यार मैं कितनी ऑर्थोडॉक्स लगूंगी, मैं कितनी पिछड़ी गांव के जमाने की लगूंगी, इनफैक्ट मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। लोग अब जब मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं तो वो पहले ही दूर से ऐसे करते हैं और अनस से गले मिलते हैं, तो मुझे आज वो देखकर खुशी होती है कि लुक एट द जर्नी फ्रॉम नथिंग टू सो मच टू अगेन बैक टू समथिंग व्हिच इज सो बेसिक फॉर इस्लाम। तो ये चीज मैंने सीखा एंड ऑब्वियसली आई थिंक आज का जो मजमा है इट हैज लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन बी इट लॉयर्स डॉक्टर्स टीचर्स। एंड मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रोफेशन कोई भी हो कितना भी बिजी हो आप नमाज प्लीज पढ़े और उसके लिए वक्त निकाले और उसके लिए ज्यादा वक्त करें, नमाज बिल्कुल ना छोड़े बिकॉज इवेंचुअली यही हमारी कामयाबी है। जब मेरा क्लिनिक मैं क्लिनिक में जब मैं काम करती हूँ ना, मेरा जो मेरा खुद का क्लिनिक है मैं काम क्या करती हूँ ऑफकोर्स, तो जब हम हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना तो अजान होती है ना तो ऐसा लगता है अरे यार अभी शुरुआत की बात कर रही हूँ, नमाज पढ़ना है लेकिन एंड तक खींच के लेके जाना है कि पहले ये कर ले, पहले पैसे आ जाए, रोजी रोजी रोजी, हम सिर्फ रोजी रोजी दिमाग में चढ़ा है लेकिन बरकत ही नहीं होने वाली ना रोजी में, क्योंकि रोजी देने वाला तो आपको बुला रहा है आप जा ही नहीं रहे हो, कितना वक्त हो गया। और वो चक्कर में कभी कभी कजा हो जाती थी क्योंकि क्लाइंट वे फिजूल। फिर अल्लाह मियां ना जब आप ज्यादा लंबा करते हो ना तो अल्लाह देखना कहीं ना कहीं ना आपका वो नमाज कजा ही कर देते हैं, तो वो कजा हो जाती है। तो जब वो कजा हो गई ना तो मुझे ऐसा लगता था, तो मेरी हर चीज ना रोटेट होती थी और बीच में घुस घुस के फटाफट नमाज पढ़ लेती थी। फिर जब मेरे अंदर चेंजेस आए ना तो मैंने मेरे क्लिनिक में बहुत क्लियर कर दिया कि अब जो भी क्लाइंट है नमाज के टाइम पे अपॉइंटमेंट ही नहीं देना, और अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट बैठेगा, अगर अल्लाह ने रोजी लिखी है कि इसके जेब के पैसे मेरे घर आने हैं ये आएंगे रुकेगी कहीं नहीं जाएगी। और अब मेरे ऑफिस में जो काम होता है ना वो नमाज को देखकर प्लान होता है कि अगर 5:20 की अजान है तो 5:20 को हम कोई क्लाइंट, 5 से 5:30 का कोई क्लाइंट होता नहीं, अगर होता है तो पहले, और अगर अजान हो जाती है तो उसको बोलते 5 मिनट बैठो। मेरे जो क्लाइंट जो ऑफकोर्स जो लड़कियां मेरे यहाँ काम करती है मुस्लिम घराने से ही है, ऑफ कोर्स वो हिजाब सिर्फ घर से ऑफिस आने तक कर, बड़ा इनका भी अलग ही टाइप का हिजाब होता है जो किधर होता है और किधर नहीं होता है। घर से मोहल्ले वाले देखेंगे तो हिजाब होता है, यहाँ से मोहल्ले वाले देखेंगे तो हिजाब होता है, बीच में चौपाटी जुहू किधर हिजाब नहीं होता है। ठीक है, शादियों में हिजाब नहीं होता है, जिनके बाल आपको पूरे साल ढके हुए दिखेंगे शादियों में आप उनको बाल लहराते हुए आराम से देख लोगे। तो ये जब मैंने हिजाब लिया तो मुझे लगा ये क्या, ये तो हिजाब की मतलब गलत है ना, ये आप फेस नहीं ढाको एक समझ में। जब आपने हिजाब पहन लिया है तो आप ऑप्शनल कैसे हो सकते हो, आप बाल कैसे कभी भी खोल के आप घूम रहे हो, तो मुझे ना बहुत अजीब लगते थे। अब क्योंकि मैं इसमें इतनी नहीं थी तो ये लोग मेरे ऑफिस में काम करे और मैंने पैंट जिससे पैंट होता था और लॉन्ग शर्ट होता था, हिजाब नहीं पहने, हिजाब वाला कैसा होता है सामने से बोले कि मैं, और मैं कभी किसी को मना नहीं करती थी पहले भी कि हिजाब पहनो नो प्रॉब्लम नमाज पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ही नहीं पहनते थे, बल्कि ये लोग तो नमाज के लिए भी मेरे से टाइम नहीं मांगते थे। पर क्योंकि मैं पढ़ती थी ऑफिस में तो ये लोग भी पढ़ते थे। अब तो मेरी जो दोनों लड़कियां मैंने क्योंकि वो पहनते ही है तो ऑफकोर्स स्कार्फ कंपल्सरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों लड़कियां मेरी लॉन्ग ड्रेस पहनती है, उसके अंदर देखना होता है कि ये नहीं स्कार्फ पहनते, आप आए थे तो आपने देखा था। नमाज हो जाए अगर दोनों में से कोई भी लड़कियां नमाज नहीं पढ़ती है तो उनकी बैंड बजा देती हूँ मैं, तो उनको मतलब उनको ऐसा देखो कोई काम करते उनको लगता है क्लाइंट ना चले जाए, तो मैं अपनी लड़कियों को बोलती क्लाइंट चले जाएगा कोई फर्क नहीं है नमाज आप पढ़ो क्योंकि आपके नमाज से भी तो बरकत आनी है ना। तो लाइफ में चेंजेस ऐसे आते हैं
और जब आप और मैं हमेशा उनको कहती हूँ, कभी कभी नमाज के लिए लेट हो जाते हैं, मैं कहती हूँ यार तुमको खुश नसीब हो तुम लोग के ऐसी जगह काम कर रहे हो जो तुम्हारी आखिरत के लिए सोच रहा है। क्योंकि लोग क्लाइंट आ जाए पैसा आ जाए तो थोड़ा ना बोलेगा भाई क्लाइंट को छोड़ दे तू नमाज पढ़ तू बाद में भी पढ़ ले, क्योंकि हमारी तो मेंटालिटी है ना हम कजा भी पढ़ सकते हैं, पढ़े तो सही नमाज तो पढ़ना ही है, लेट भी पढ़ ले पढ़े तो सही। तो ये मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लोग यंग जनरेशन है जो आज मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आज उनके ही पेरेंट्स कहते हैं कि बिकॉज ये सना के साथ है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज उनके पेरेंट्स मुझे कहते हैं क्योंकि ये सना के साथ है ये पहले से बेटर हो गई है, नमाज की पाबंद हो गई है। अब ये खुद घर में ये बच्चियां घर में अपनी बहनों को नमाज का पाबंद करती है, जो थोड़े से यहाँ वहाँ अजीब अजीब रिवायतें भी जो लोग करते थे वो भी बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी फील्ड में हो सबसे पहले नमाज को अपना इम्पोर्टेंस दे, और ऑफ कोर्स अपने अखलाक को इम्पोर्टेंस दे। और हम जो है ना एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, हमें देखकर इस्लाम क्या है लोग हमें देखते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके उसे उतना खूबसूरत तरीके से बताएं, ताकि जो लोग न्यूज में जो भी सुनते हैं उन्हें ये ना लगे कि ये इस्लाम है, क्योंकि वो तो इस्लाम है ही नहीं। हम जब खुद भी तो सुनते हम कहते ना ये थोड़ी ना, बट मानते ही नहीं है लोग। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम जैसे इतने बड़े मजमे को सही तरीके से इस्लाम को पोर्ट्रे करना होगा, ताकि लोग समझे कि असल इस्लाम क्या है। और बस हम कोशिश करें कि आज जो ये मजमा जमा हुआ है बेशक अल्लाह की रजा के लिए हुआ है, बस हम अल्लाह से दुआ करें कि जो भी बातें हुई है हमारे अंदर बैठ जाए। और मैं एनी विच वेज मैं खुद भी सीख रही हूँ, तो मैं जो सीख रही हूँ वो आपसे फॉरवर्ड आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना। और बस अल्लाह बस हमें दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी दे, और हमारे दिलों में ऐसे ही मोहब्बत बाकी रखे, और हम सब से हमारे आने वाली नस्लों से भी कयामत तक की जो हमारी नस्लें लेगी रहेगी उनसे दीन का काम करे। बस हमको यही दुआ करना चाहिए, बस अल्लाह हमारे आगे जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी दीन की दावत में लगाए और दुनिया भी दे। तो बस हम कोशिश करें कि हम जितने अच्छा हो सके अच्छा बने, खुद के लिए भी खैर हो दूसरों के लिए भी खैर हो, और हम जहाँ काम करते हैं काम को इबादत समझ के करें, अमानत में खयानत ना करें, खुश रहे और लोगों के लिए खैर बने। बस अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत 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 ही प्यारी बातें बताई माशाल्लाह इन्होंने। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब जाके हम खूब अमल करेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मामूलात की पाबंदी इन्होंने किस किस हाल में नहीं छोड़ी है, हालांकि हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है ये, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि किस जगह से निकल कर, एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो एक अल्लाह से यकीन कि हमारा इतना यकीन अल्लाह से पैदा होगा इनको देखकर सिर्फ, कि जब हमने फर्स्ट टाइम इनके बारे में सुना था तो हम आंसू नहीं रोक पा रहे थे कि मतलब अल्लाह की ऐसी कुदरत है। हमारे पास है मिसालें, जो जुनेद जमशेद थे उनके लिए एक मर्द के लिए आसानियां होती है कहीं ना कहीं, लेकिन एक औरत के लिए उस जगह से निकल कर और माशाल्लाह फिर एक आलिम का मिलना, तो ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमें इससे पता चलता है कि हमारा अल्लाह कितना गफूर रहीम है। आज हम ये माहौल में रहते हैं फिर भी हमको इस तरह का यकीन नहीं जो आज अल्लाह ने इनके अंदर पैदा कर दिया है, जो हमको इनकी बात सुन के आज पता चला। बस अल्लाह इनको हमें ये दुआ करनी है, अब इनको हमें हमारी हर दुआओं में याद कर रखना है और मोहब्बत के साथ बिल्कुल, के अल्लाह इनको खूब खूब इस्तेकामत दे बिल्कुल, मतलब आखिरी सांस अल्लाह ईमान के साथ और ईमान वाली और उसने खात्मा जो कहते हैं ईमान वाली मौत का साथ है। और साथ ही हमारे साथ है मयूर भाई की वाइफ है मुस्कान मेमन, जो माँ चैरिटी ट्रस्टेबल और माँ डेवलपर्स के ओनर है, उनकी वाइफ है वो। ये माशाल्लाह गए नॉन मुस्लिम से मुस्लिम हुई है और इनको तेरह साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बता अब इनके बारे में ये खुद कुछ बताना चाहेंगे, और इस्लाम में आने के बाद एक ईमान मिलने के बाद इनके अंदर क्या चेंजेस है और ये कितनी खुश हैं इंशाल्लाह, वो एक 10 मिनट का वक्त लेंगी और बताएंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं आप सभी को दिल से सलाम करती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं सना को
बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो एक आज की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि ईमान के लिए अब इंसान को क्या नहीं करना चाहिए ईमान सीखने के लिए। और इस्लाम के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, मैं खुद एक नॉन मुस्लिम हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैंने शादी मुस्लिम से की है, मैंने ईमान कबूल किया और मैं बहुत खुश हूँ ईमान कबूल करके। मुझे लग रहा है जैसे हर किसी के बस की बात, हर किसी का नसीब नहीं होता ईमान में आना, अल्लाह ने मुझे चुना है इस ईमान कबूल करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और ईमान के लिए मैं एक, इस्लाम के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि इस्लाम का दूसरा नाम ईमान है, और ईमान जिसका मजबूत होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत उसको साबित करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं हमारी शादी को 13 साल हो गए, वैसे हम 25 साल से, मैं 98 से हम एक दूसरे को जानते थे, शादी हमने 2009 में की अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खुश हूँ मैं, बहुत। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे कोई चीज के लिए फोर्स नहीं किया कि तुम ये सीखो, लेकिन ईमान कबूल करने के बाद खुद ब खुद मुझ में ये होता गया कि मैं ये चीज सीखूं, और खुद ब खुद मैं सीखती गई। हालांकि हम सेपरेट रहते, मुझे कोई देखने वाला नहीं है कि मैं ईमान की चीजें करती भी हूँ या नहीं करती, लेकिन मुझे पता नहीं, बस हमेशा अल्लाह का एक खौफ रहता है कि नहीं ये करना है मुझे, खौफ नहीं कहते, अल्लाह का वो एक मोहब्बत है मुझे कि जो मुझे मजबूर करती है कि नहीं मैं ये चीज करूं, ये सीखूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना सुकून मिलता है इस्लाम का सब सीख के, धीरे धीरे मैंने 13 साल में काफी कुछ चीजें सीखी है इस्लाम में। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि सना ने जैसे बताया कि हम आज भी हम बहुत दूर है हमसे, हमें लगता है कि हम सब कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इस्लाम से दूर है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये मोबाइल और सब कुछ आ गया। सना जी ने जैसे बताया कि मोबाइल का यूज करो लेकिन मिसयूज मत करो, आज की जनरेशन इसका सबसे ज्यादा मिसयूज कर रही है। आजकल मोबाइल में क्या नहीं है, हमारे ईमान की ए से लेकर जेड तक की सभी चीज आप इस्लाम की सभी घर बैठे बैठे सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी भी गुजारिश है कि आप सभी इसका यूज करें, कि इसकी हर एक चीज इसके जरिए आप सीखें, बस मिसयूज ना करें उसका। और जैसे कहते हैं हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो कहते हैं कि सबसे पहला गुरु उसका माँ होती है, बच्चों को जो संस्कार देते वो माँ देती है, दूसरा गुरु बच्चों का शिक्षक होता है, तो एक गुरु और भी है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा घर के बाहर निकलता है, तब उसका सबसे बड़ा गुरु होता है उसकी संगत। बच्चा जैसी संगत में पड़ता है वही उसका हैबिचुअल बन जाता है, वो बच्चा उसी चीज में ढलता जाता है। तो संगत भी एक सबसे बड़ा गुरु है हमारा। तो माओ से भी ये गुजारिश है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, कैसी संगत में है, वो सब ध्यान रखे बच्चों का। और मैं यही गुजारिश करना चाहूंगी सभी से, आप सभी से, कि इस्लाम इतना बड़ा और इतना मजबूत मजहब है कि हम सबको तो एक प्राउड फील होना चाहिए कि आज हम इस उम्मत से है। और मैं खुद को भी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज मुझे इस्लाम में आने का मौका मिला है, और आप सबके सामने मैं बैठी हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे ये सौभाग्य मिला है। हालांकि मुझे कुछ ज्यादा वर्ड्स नहीं आते इस्लामिक, सीख रही हूँ और इंशाल्लाह सीखूंगी बहुत सारा कुछ, सीख भी जाऊंगी। और जैसे आज सना जी ने सब बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा हमको नॉलेज दिया है, ये जिस प्रोफेशन से थी और आज ये जो बता रही थी, सीरियसली इट्स कान बिलीवेबल जो इन्होंने हमको बताया है, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि अब हमको भी कुछ करना चाहिए ईमान के लिए। बस आप सभी से यही कहना चाहती थी, और बहुत अच्छा लगा सना जी, मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगी कि आप एक बहुत 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 बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, सीरियसली शुक्रिया अदा करिए। चलो अस्सलाम वालेकुम सबको। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह बहन, जितना भी इन्होंने बताया, पर इन्होंने भी यही कहा कि इस्लाम में आने के बाद और ईमान लाने के बाद इनको कितनी खुशी हुई है, और एक सुकून होता है ना जो गैर ईमान वाले के पास उनके दिल में नहीं होता, हर चीज होती है पर उस चीज की कमी होती है जो हमें ईमान लाने के बाद ही आता है। माशाल्लाह, अब इसके साथ ही हम दुआ कर लेते हैं थोड़ी सी, अल्लाह से माफ़ी, जो भी हमसे बेशक है क्या उसके शायन शान नहीं हो पाया,
जितना हमसे हुआ और जो भी गलती कोताही हो गई हो इसमें बोलने में और हमारे मजमे में हमसे, कि जिस तरीके से हमें इसका एहतराम करना चाहिए हमें वो नहीं हो पाया, कि एक इल्म की दीन की बात थी तो अल्लाह हमारे दिलों में उसका एहतराम और जैसी इज्जत होनी चाहिए वैसी ले आए। तो इंशाल्लाह हम दुआ के लिए हाथ उठाते और अल्लाह ताला से दुआ करके इसको खत्म करते, ठीक है? चले جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله اللهم صل على محمد افضل صلواتك اللهم صل على محمد افضل صلواتك اللهم صل على محمد افضل صلواتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وتكرر الجديدان واستقبل الفرقدان بلغ روحا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارواح أهل بيته منا تحية والسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راهب المشاكين يا راهب المساكين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الفتنة الدجال يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا رحيم اے رحمان اے رحیم اے کریم ذات اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا مولا ہمارے گناہ کو یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر کر دے یا اللہ ہم یہ مجمع جو ہماری مائیں اور بہنیں جمع ہوئی ہیں یا اللہ ہم جانتے یہ تیری شایان شان نہیں ہوا ہمیں جیسے اس کا احترام اور عزت کرنی چاہیے یا اللہ تیرے دین کی بات تھی مولا یا اللہ تیرے دین کی بات تھی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پائی اللہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ میرے اللہ ہماری بہن جنہوں نے پورا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں یہ بات کی مولا اللہ ان کی اس بات پہ اللہ ان کی مغفرت کر دے اللہ اللہ تو نے دیکھا یا اللہ کون سی دنیا اللہ چھوڑ کے آئی ہے مولا تیری خاطر یا اللہ خالص تیری خاطر مولا مولا کوئی اور غرض نہیں ہے مولا مولا نہ مال کی غرض ہے مولا نہ دنیا کی غرض ہے یا اللہ نہ خوبصورتی کی غرض ہے کسی چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا مولا مولا بس یا اللہ تیری خاطر اللہ خالص تیرے لیے اللہ سب چھوڑ دیا مولا اللہ تو نے قبول کیا بے شک اللہ تیرا احسان ہے اللہ تو نے قبول کیا اللہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ انہیں معاف فرما دے اللہ ان کو خوب خوب اللہ یہ دعوت کے کام کے لیے قبول کر لے مولا یا اللہ انہیں استقامت دے دے اللہ اللہ اور ہمارے یہاں نوجوان نسل ہے اللہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں مولا اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے اللہ اے اللہ اللہ تجھے ہمارے نبی کا واسطہ ہے مولا یا اللہ میرے حبیب کا واسطہ ہے مولا اللہ اللہ انہوں نے اور وہ جو ہمارے لیے روئے اللہ اللہ اتنا تو ہماری ماں بھی اللہ ہمارے لیے نہیں تڑپی مولا یا اللہ اتنا تو ہماری ماں بھی اللہ نہیں تڑپی ہمارے لیے اللہ وہ ہمارے لیے اتنا روئے اللہ اللہ اس امت کے لیے روئے اللہ آج تو حال دیکھ لے اس امت کا اللہ اللہ یا اللہ رحم فرما دے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے اللہ یا اللہ ہمیں قبول کر لے اللہ اللہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں تیرے دین کو تیرے کلمے کو لے کر جانے
जाने वाले बना दे अल्लाह, तेरे कलमे को अल्लाह इस दावत के काम को लेकर जाने वाले बना दे अल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को अल्लाह, अल्लाह हमारी नस्लों को अल्लाह, अल्लाह वो जान के नहीं वो मासूम है अल्लाह, अल्लाह ये माओं बहनों को हम सबको अल्लाह जो यहाँ मौजूद है जो नहीं अल्लाह तमाम उम्मत को अल्लाह हमारे बच्चों अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक दे दे अल्लाह। अल्लाह उन्हें ऐसा मुसलमान बना अल्लाह, ऐसा ईमान उन्हें मिले अल्लाह कि अल्लाह कि उनसे देख कर लोग सिर्फ उन्हें देख कर उन्हें सुनकर अल्लाह इस्लाम को पहचान जाए अल्लाह, ईमान की ताकत को पहचान जाए अल्लाह। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत अल्लाह, जो सहाबाओं ने कुर्बानियां दी अल्लाह, अल्लाह कैसे निकल जाते थे अल्लाह, अल्लाह आज तो हर चीज की सहूलत है, हमारे जब शौहर जाते हैं घरों से निकलते इस काम के लिए अल्लाह, अल्लाह तो हमारे पास फोन होता है उनसे बात करने के लिए अल्लाह, अल्लाह हमें घर की छत खाना पीना हर चीज देकर जाते हैं ना अल्लाह, अल्लाह वो तो ऐसे निकल जाते थे अल्लाह, अल्लाह सुबह जाते थे तो लौटेंगे उसका पता नहीं होता था ना अल्लाह, या अल्लाह तू जानता है वो भी नहीं पता होता था कि वो शाम को लौटेंगे या नहीं, या अल्लाह एक वक्त भी जब वो जाते थे तो खाना और रोटी का भी पता नहीं होता था कि हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे अल्लाह, अल्लाह ऐसी कुर्बानी अल्लाह, और अल्लाह शाम को खबर आ जाती थी कि शहीद हो गए मौला, कि शहीद हो गए मौला, मौला वो छोटे छोटे बच्चे मौला, मौला वो यतीम हो गए, बीवियां बेवा हो गई मौला, माएँ रो रही है मौला, मौला वो कैसा वक्त होगा मौला, अल्लाह ऐसी कुर्बानियां तो तू हमसे नहीं ले रहा मौला, मौला हमारी टूटी फूटी झूठी कुर्बानियों को कबूल करके मौला हमें भी इस रास्ते पर चलने वाला बना दे अल्लाह, अल्लाह शैतान के मकरो फरेब से हमें बचा ले अल्लाह, अल्लाह हम तो इंसान है ना मौला, अल्लाह हम तो इंसान है मौला, मौला तेरे मोहताज है अल्लाह, अल्लाह फकीर है भिखारी है सवाली है तेरे दर के, बेशक मौला तू अपने खजाने से अता कर दे अल्लाह, तू अपने खजाने से हमें सब कुछ अता कर दे मौला, जैसे तू चाहता है वैसे हमें मना दे, हम बहुत कमजोर है अल्लाह, शैतान हमारे पीछे है मौला, नफ्स हमारे साथ लगी हुई है अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बचा ले शैतान के मकरो फरेब से हमें बचा ले, हमें हमारे नफ्स के फरेब से बचा ले मौला, और तू अपने खजाने से मौला तू जैसे राजी हो हमें वैसे बना दे अल्लाह, तू जैसे हमसे खुश हो मौला तू हमें वैसा बना दे मौला, मौला तेरे हबीब की कुर्बानियों का वास्ता मौला, मौला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का वास्ता मौला, मौला हमें माफ फरमा दे मौला, और ये तमाम बातों को या अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह, और हमारी नस्लों को मौला हमारी नस्लों को अल्लाह तेरे दीन के लिए कबूल कर ले अल्लाह, तेरे दीन के लिए तेरे दीन की मेहनत के लिए कबूल कर ले, नेक बना दे अल्लाह नौजवान नस्ल मौला, मौला नौजवान लड़के लड़के नस्ल को इस उम्मत को मौला हिदायत दे दे मौला, मौला उम्मत बहुत परेशान है मौला, मौला हम हमारी फिक्रों में लगे हुए या अल्लाह हम हमारे घरों की फिक्रों में लगे हुए हैं कि अल्लाह रोजी कैसे कमाए आज क्या बनाए शाम को क्या बनाए सुबह क्या बनाए मौला, मौला जो हैरान है परेशान है मौला उम्मत में अल्लाह कोई नहीं सोचता मौला उसका, मौला हमें नहीं पता कल मौत आ जानी है मौला हमें नहीं पता कल मौत आ जानी है अल्लाह, अल्लाह तू माफ कर दे मौला और उम्मत की फिक्र दे दे मौला, उम्मत के लिए रोने वाले बना दे, और जहाँ जहाँ अल्लाह मुसलमानों को परेशान हाल है मारा जा रहा है पिता अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा अल्लाह, अल्लाह बच्चों बच्चे मासूम हर बच्चों की हिफाजत फरमा अल्लाह, और हमारे बच्चों को हमारी नस्लों को तेरे दीन के लिए कबूल कर या अल्लाह, खास तौर पर अल्लाह नौजवान लड़के लड़कियों को अल्लाह हिदायत दे दे और अपने रास्ते के लिए कबूल कर ले अल्लाह, और हमें माफ फरमा दे अल्लाह, हमें माफ फरमा दे अल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं मौला, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं अल्लाह, बेशक हमारा तेरे सिवा कोई नहीं जो हमें माफ कर सके अल्लाह, अल्लाह तेरे भीख मांगते मौला हम माजूर है मौला मजबूर है लाचार है अल्लाह, दुनिया के हाथों गिरे हुए मौला हम दीन की तरफ बढ़ते और दुनिया खींच लेती है मौला, हम तेरे दीन की तरफ बढ़ते और ये दुनिया खींच लेती है मौला अल्लाह इस दुनिया से बचा ले मौला, इस दुनिया से दुनिया के मकरो फरेब से बचा ले मौला, और दुनिया से बेरगबत कर दे अल्लाह, आखिरत की रगबत पैदा कर दे मौला, मौला हमें ये फिक्र हो जाए मौला कि पुलसिरात पर से कैसे गुजरेंगे अल्लाह, मीजान में हिसाब किताब के वक्त हमारा क्या होगा अल्लाह, जब अल्लाह तेरे आगे खड़े होंगे मौला, मौला ये अल्लाह तो हम क्या जवाब देंगे मौला, मौला हमारा क्या होगा मौला, हमारी दिन रात की फिक्र ये हो जाए मौला, हमें आखिरत की फिक्र करने वाले बना ले मौला, मौला कब्र का एक एक अजाब
जहन्नम गाई की गजाब ऐसा है जो ना कबीले बर्दाश्त है मौला। हम आज दिन रात चूल्हे पकाने में रहते मौला, लेकिन हम उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमें थोड़ी सी लग जाती है मौला। मौला ये तो तेरे जहन्नम की आग होगी, ये तो तेरे कब्र का अजाब होगा मौला। तू बचा लेना मौला, मौला उस वक्त तू बचा लेना मौला, तू उस वक्त हिफाजत फरमा लेना मौला। मौला तेरी मदद की बहुत जरूरत है या अल्लाह, मदद की बहुत जरूरत है अल्लाह। आ जाइए अल्लाह और इस उम्मत की मदद कर दीजिए मौला, अल्लाह इस उम्मत की मदद कर दीजिए मौला, और हम सब के गुनाहों को माफ करके एक मरतबा हमसे राजी हो जाइए अल्लाह, एक मरतबा हमसे राजी हो जाइए मौला। या अल्लाह राजी हो जा मौला, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, हमारा और कोई मकसद न रहे इस दुनिया में तुझे राजी करने के अलावा, अल्लाह बस तू हमसे राजी हो जा अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा और हमारे गुनाहों को माफ फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, और जो शैतान ने भुला दिया वो भी अता फरमा। जज़ाकअल्लाहु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ है।